हेलो हलो हलो जस्ट ऑडियो पाथ वगैरह उससे दे रहे तू ఇక్కడ రెకొడింగ్ సరి ఇలానా సెకండ్

कर है मालूम <coughs> चलो जाने दो शुरू करते कर सेकंड इधर भी चलो करना पड़ेगा ना क्या एक सेकंड

Good morning, friends. Nice to see you, people. Dressed in formal shirts after taking a bath, you people have come. It's something unusual for majority of you. Used to see you people in uh, what T-shirts and other things, and from there you people have grown to formal shirts. I hope you people have noticed the difference. So we're gonna kick start with the CA final SFM and just few days ago our beloved institute came up with a wonderful announcement of a new course structure. So <coughs> let us have some basic introduction to what the subject is, what we are going to cover, how are we going to tackle this uh, new syllabus and old syllabus thing all of you have registered for old syllabus because new syllabus hasn't started so far most probably institute will give you an option to switch over from old syllabus to new syllabus that's absolutely okay and fine and if that option is given i hope you will choose that option because the happiness of law not to be studied and costing not to be studied it's much more than anything else

मेरे हिसाब से सिलेबस का क्लासिफिकेशन है तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन द टाइम रिक्वायर्ड टू टीच टाइम रिक्वायर्ड टू स्टडी एंड मार्क्स दैट आर अलॉटेड टू द रिस्पेक्टिव चैप्टर तो अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो चार ही चैप्टर है बिग फोर से ये बट बहुत अच्छे वाले बिग फोर से ये वैल्यूएशन पोस्ट

तो बहुत सारा मैथमेटिक्स आएगा लाइक हाउ डू यू रिड्यूस योर रिस्क अ डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो मतलब बेसिकली यू इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन अ बास्केट बास्केट ऑफ ऑफ सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज तो अगर आपने में किया तो आपका रिस्क कैसे कम होगा और कंपेरिटिवली उसका रिटर्न कैसे हम मैक्सिमाइज करें तो बेसिकली वी आर गोना टॉक अबाउट रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो एंड सर्टन पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज यहां पर आपका मैथ्स बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए समझने के लिए तो अगर मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो भी एक्सेल स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट इवन इफ यू कांट अंडरस्टैंड अ मैथमेटिकल बाय डूइंग अ वर्किंग इन एक्सेल यू कैन अंडरस्टैंड देन यू हैव अ चैप्टर ऑन डेरिवेटिव सो फ्यूचर्स ऑप्शन आपको पसंद है या नहीं है आपके स्टाइपेंड के बेसिस पे आप ये ट्रेड कर सकते हो या नहीं वो रिलेवेंट नहीं है आपको सीखना पड़ेगा बहुत सारे लोगों के स्टाइपेंट के बेसिस पे आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो पर तभी भी कुछ कमीने होते हैं जो लिवरेज लेके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और आज जैसे मार्केट गिरेगा और आज के जैसे दिन जो होते हैं तब उनका पूरा का पूरा तीनों साल का स्टाइपेंट एक दिन में ही चला जाता है सो so, आज जो निफ्टी की लगने वाली वो अलग ही तरीके से लगने वाली आपने कोई भी पोजिशन लिया होगा आज कुछ लेर बचने वाला सो डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन फ्यूचर्स स्वैप्स तो कुछ नई चीजें है, हैं। बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे तो so, इस चैप्टर में इक्विटी डेरिवेटिव है और कमोडिटी डेरिवेटिव है सो फॉर यू पीपल है गुड सेगमेंट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव ऑल्सो विच वीव टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट रेड डेरेवेटिव आर कवर चैप्टर ऑफ मिड कैप फॉरन एक्सचेंज एरिथमेटिक कैपिटल बजेटिंग वेन यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इन अ फॉरिन कंट्री वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वेन यू हैव अंट एंटिटी स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पूरे के पूरे ऑपरेशन एक ही करेंसी में हो गए तो आपका बिजनेस स्प्रेड अक्रॉस हो सकता है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करने का मेरा सेल्स जो कनेक्शन री कनेक्शन सक्सेसफुल ओके Just a second. It will start. ठीक है हो गया होगा जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स ऑडियो इज क्लियर होके वीडियो वीडियो आ रहा है क्या हाय ये कितना है बोलो ठीक सो so, ये लार्ज कैप कैटेगरी में चार चैप्टर्स है वन ऑन वैल्यूएशन वन ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स एंड एक्स मार्क्स में भी इनका वेटेज ज्यादा है जो टाइम लगेगा वो भी ज्यादा है और जो दिमाग लगेगा वो सबसे ज्यादा है अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है तो मिड कैप्स में म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली इन पास्ट इंस्टीट्यूट यूज टू जस्ट आस्क अ प्लेन क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड वॉट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड बट सुधर गए So today they are talking about uh, analysis of mutual fund, maybe a Sharpe ratio, maybe trainer ratio, evaluation of mutual fund schemes, performance, understanding the performance of a mutual fund manager and investor. The return that you earn as an investor is different. The return that a fund manager earns is different. So you have to understand difference between the returns, you have to understand calculation of NAV, calculation of commissions. बहुत सारी चीजें हैं वो चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने कवर की है देन यू हैव एंड एक्विजिशन चैप्टर ऑन इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन इंटरमीडिएट यू डिड अकाउंटिंग ऑफ इट अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन करके चैप्टर था उसमें सिर्फ अकाउंटिंग था यहां पर उसका बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो आपका कवर होगा तो दो बिजनेस जब मर्ज होते हैं या वेन वन बिजनेस इज एक्वायरिंग अनादर बिजनेस तो वो एम एन ए में कवर होगा Then you have a chapter on risk management, which is primarily only one risk is covered there, or calculation only one aspect is covered. Value at risk. You have a portfolio of stock or bonds or mixture of stock, bond, real estate, or you have a loans, you are a bank, you are given a loans to a customer. So it's a portfolio of loans, automobile loans, business loans, mortgage loans, like that. तो आपके पास जब ये पोर्टफोलियो ऑफ असेट्स होता है दिस पोर्टफोलियो इज सब्जेक्ट टू रिस्क एक्सटर्नल एनवायरमेंट रिस्क एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉन्सर्ट नहीं रहता है उसमें फ्लक्चुएशन होते रहते हैं और जिसकी वजह से आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू अफेक्ट होती रहती है इट कैन बी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इट कैन बी पॉलिटिकल एनवायरमेंट कुछ भी है चेंजेस होते रहते हैं तो उसकी वजह से मेरे पोर्टफोलियो पे कितना इंपैक्ट आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट है वैर

इंटरेस्ट रेट स्वैप्स वगैरह आपने कुछ सुना होगा जो तो बहुत सारे लोन्स पहले लाइबोर से लिंक थे लंडन इंटर बैंक हो चुका है 2020 के अंदर अगर आपको मालूम है हर एक कंट्री ने अभी अपना अपना रेट फाइंड आउट किया है यूएस हैज फॉर समथिंग कॉल्ड एज एस ओ एफ आर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट में एक पर्टिकुलर फ्लोटिंग रेट पे लोन लेते हैं और उसको फिक्स रेट पे आपको कन्वर्ट कैसे करना है तो वो चीजें आपको वहां पर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मिलेगी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट देन यू हैव अ शॉर्ट नोट ऑन टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस विच इज सिक्योरिटी एनालिसिस डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर यूल बी एबल टू ट्रेड इन द मार्केट नो मतलब मतलब यहां पर सिक्योरिटी एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस यू आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट मूविंग एवरेज बस तो मूविंग एवरेज एक्सेल के अंदर बहुत आसानी से आता है बट आपको कैलकुलेटर पे करना है बट एटलीस्ट यू विल गेट सम इनसाइट इनटू व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस तो इनके साथ हम बहुत सारा चीजें टेक्नोलॉजी वाला लिंक करने वाले अगर आपने इंस्टीट्यूट का नए सिलेबस का अनाउंसमेंट पढ़ा होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच देव डन विच आई लाइक फॉर्म इच देमेंट हर एक सब्जेक्ट में सी ए फाइनल में दो चीजें इन्वॉल्व होगी एक है एथिक्स और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आया तो फिर उसकी वैल्यू गई मतलब तो जैसे आपका ई आई एस था वो ई आई एस सीखी आपने कितना ई आर पी पैकेज समझाया ई आर पी सिस्टम समझा या आपको अभी समझा होगा आर्टिकलशिप में एस एपी वगैरह कुछ देखा होगा और जो ई आई एस में पढ़ा होगा चलो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट जिस फॉर्मेट में आपने पढ़ा था ये yes, कॉन्सेप्ट सब अच्छे हैं बट फॉर्मेट वाज प्रॉब्लमेटिक तो लॉजिकली अभी ये सिक्योरिटी एनालिसिस है तो इसमें क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूट ने रखना चाहिए सेशन टेक्निकल एनालिसिस का वेयर यू टेक अ डेटा फ्रॉम तिजोरी और यू टेक अ डेटा फ्रॉम स्क्रीनर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ कंपनी एंड यू ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस तो पांच छ हजार लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो मैं तो छे हजार कंपनीज में से आई वॉन्ट टू फाइंड कंपनीज विच हाउ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी गुड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉड लो डेट वेर देर इज ग्रोथिस्टेंट ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम्स आर नो टू मच ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मुझे ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज लगाने हैं ऑन अ सेट ऑफ अ डेटा ऑफ 6000, 7000 कंपनीज एंड आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो अब ये मैन्युअली आप कर ही नहीं सकते हो ना आपको फंडामेंटल एनालिसिस कितना भी पता हो कुछ भी पता हो इफ यू डोंट नो टेक्नोलॉजी हाउ टू गेटेटलर तो चलो मतलब आप भी ले सकते हो फ्री वाला है पांच हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन है कैपिटल लाइन ब्लू टर्मिनल मतलब वो तो आप नहीं ले सकते स्टाइपेंड भी नहीं पूरा हुआ तो फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कुछ चीजें कवर्ड है तो हम ये करेंगे स्मॉल कैप्स में पूरा थियरी मतलब चार पांच चार पांच क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी सबसे यूजलेस चीज वही है सिलेबस के अंदर सेक्यूरिटाइजेशन यू वुड हर्ड अबाउट एमबीएस और एबीएस एमबीएस और एबीएस ओके एक बंदा है तो है क्या कर नहीं मालूम एमबीएस एबीएस मॉडगेज बैक सिक्योरिटीज करेक्ट तो मॉडगेज बैक सिक्योरिटीज सिक्योरिटाइजेशन अगर आपको याद होगा तो मैंने इंटर में आपको सब प्राइम क्राइसिस पे वीडियो लिया होगा सब प्राइम क्राइसिस तो अब मैं बैंक हूं मैंने बहुत सारे लोगों को होम लोन्स देके रखे हैं हर एक का क्रेडिट रेटिंग अलग अलग है तो वो होम लोन्स को पूल करके मैंने कुछ सिक्योरिटीज क्रिएट की है और वो सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को मैंने सेल की है उसको बोलते हैं मॉडगेज बैक्ड सिक्योरिटीज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस करके एक चैप्टर था उसमें डेट सिक्योरिटाइजेशन करके एक शॉर्ट नोट आता था ओरिजिनेशन फंक्शन कूलिंग फंक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन ऐसे तीन फंक्शन आपने याद किोगे तो वो सिक्योरिटाइजेशन है अच्छा कॉन्सेप्ट है असेट बैक सिक्योरिटीज में सिर्फ फर्क इतना होता है कि इनसेड ऑफ अ होम लोन और द मॉडगेज लोन्स अगेंस्ट इमूबल प्रॉपर्टी वहां पर कार लोन क्रेडिट कार्ड लोन बिजनेस लोन्स वैसे लोन्स होते हैं और अकाउंटिंग में फर्क मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में फर्क रहता है मॉडगेज बैक सिक्योरिटीज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर निकाल सकते हो एबीएस में वो नहीं होता है तो बेसिकली वन इज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस एंड वन इज अ ऑन बैलेंस शीट फाइनेंस हायर परचेज करके कॉन्सेप्ट था उसने पे आपको ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस एक्सप्लेन किया होगा तो वो कॉन्सेप्ट आपको वहां पर लर्न करना है और स्टार्टअप में फाइनेंसिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं तो टिपिकली यूल है एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये इक्विटी साइड पर आ गए लेकिन एक वेंचर डेट करके कंसेप्ट होता है अभी पिछले पांच छह महीने में अक्टूबर दो हजार इक्कीस से लेकर अब तक इक्विटी मार्केट की लगी पड़ी है इंटरेस्ट रेट यूएस के अंदर बढ़ रहे तो जो के अंदर इक्विटी का फ्लो है वो बहुत कम हो गया है रिलेटिवली जो मंथली अमाउंट पहले आता था, था और जो मंथली अमाउंट अभी आ रहा है वो बहुत कम हो गया बहुत सारे स्टार्टअप्स के वैल्युएशन नीचे आ रहे हैं तो ये स्टार्टअप्स दूसरे एक सोर्स को जा रहे हैं जो अभी बहुत पॉपुलर हो गया है पिछले कुछ महीने के अंदर नोट्स नो एनविनोट वेंचर डेट तो जब इक्विटी का सोर्स ड्राई डाउन होता है तो वेंचर डेट करके होता है ट्राइफेक्टा सर्च करना ट्राइफेक्टा इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन इंडिया ऑन वेंचर डेट सो ये वेंचर डेट जा रहा है तो ये हम चीजें सीखेंगे पिच डेक कैसे होता है कैसे बनाया जाता है वो आपको इस चैप्टर में है अच्छा चैप्टर है तो दिस इज योर सिलेबस एट प्रेजेंट मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है दिस इज एग्जिस्टिंग सिलेबस न्यू सिलेबस क्या आएगा मुझे भी नहीं पता इंस्टीट्यूट ने भी अभी तक उसके ऊपर काम चालू नहीं किया है अभी तक वो स्ट्रक्चर बाहर आ चुका है बहुत सारे इलिटरेट्स मैंने देखा है न्यू सिलेबस न्यू न्यू स्ट्रक्चर है अभी तक न्यू सिलेबस आया ही नहीं है न्यू सिलेबस वो आने आएगा जब भी कभी आएगा उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर में बोला है कि इस सब्जेक्ट का नाम चेंज होगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा अब अगर मैं इस इंस्टीट्यूट की पिछले 25 साल की हिस्ट्री खोल के देखो जब से ये सब्जेक्ट आया हुआ एफ एम इनको मालूम हो चुका है 1996 में इनको खोज हुई थी एफ एम की तो तब ये सी फाइनल में था जो आपने इंटर में पढ़ा ना लिवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर वो सब कुछ उस जमाने में सीए फाइनल में था तो आपने इंटर में ही फाइनल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे याद होगा तो उस टाइम से जब तक ये खोज हुई इन्होंने सिर्फ हमारे टाइम पे इसको माफा बोलते थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पहले से चालू हुआ था नाम फिर माफा पे गया फिर एक माफा के बाद एस आया एस एफ एम ओल्ड एस एफ न्यू आया और अभी जो चल रहा है आपका एस एफ न्यू है जो एस एफ ओल्ड हो जाएगा और अभी उसका ए हो जाएगा मुझे लगता नहीं है कि नया सिलेबस आ गया तो भी कोई ड्रामेटिक चेंज होगा इसमें कोई कॉस्मेटिक चीज है या जो चेंज होगा ना वो स्ट्रक्चर में होगा स्ट्रक्चर क्या है आज के तारीख में इस पूरा का पूरा हंड्रेड मार्क्स का पेपर एस का जो है वो न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव है नया स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या बोला है थर्टी परसेंट विल बी केस स्टडी बेस एमसीक्यू गदा सिर्फ बोल रहा है एमसीक्यू

डिसाइड करेगे आपके नाम के पीछे कुछ सफिक्स लगेगा या नहीं लगेगा प्रोवाइडेड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो हेल्प सो बट रिलेटिवली नए सिलेबस के अंदर मुझे लगता है पासिंग का चांस ज्यादा है क्योंकि जो लोड आएगा ना आपको पढ़ाई करने का वो लोड कम होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे लोगों को लग रहा है हमें पढ़ाई के लिए छह महीने मिलेंगे आर्टिकलशिप के बाद छह नहीं है तो नौ महीने मिलेंगे ज़्यादा टाइम मिलेगा क्योंकि जब आपका आर्टिकलशिप खत्म होगा उसके बाद छः महीने आपको वेट करना पड़ेगा छः महीने में एग्जाम ही नहीं आता है जॉरिटी ऑफ यूर स्टार्टेड जो बच्चा मे अटेम में पास होता है उसका आर्टिकलशिप ऑगस्ट में चालू होता है जो नवंबर में पास होता है उसका आर्टिकलशिप रफली मार्च में चालू होता है तो अगर आप काउंट करोगे दो साल जिसने अगस्त में चालू किया उसका आर्टिकलशिप जुलाई में खत्म होगा कहने दो साल के बाद जो जुलाई आएगा वो नए सिलेबस में दो साल है ना तो इफ यू स्विच तो टू द न्यू सिलेबस नॉर्मली ऑप्शन विल बी गिवन टू तो यू पीपल विच आई थिंक यू पीपल शुड मतलब बोलने की जरूरत नहीं है तो दो साल आपके जब खत्म हो गए ऑगस्ट में खत्म हो गए जुलाई के बाद छह महीने आप एड करो क्या होता है जनवरी आता है जनवरी में एग्जाम कहा से लेंगे एग्जाम तो मे में तो फेब्रुवरी मार्च ये आपको बोनस में मिल गए जिसका आर्टिकलशिप मार्च में ये कैलकुलेशन किसी ने किया ही नहीं होगा डम जैसा सोचा हो हमको छह महीने पढ़ाई करने को लेंगे छह नहीं है इंस्टीट्यूट ने इम्प्लाइडली आपको ज्यादा टाइम दिया है सिक्स मंथ वो मैंडेटरी गैप होगा मे बी They will put up some कि आपका जिस दिन आर्टिकल छिप होगा वहां से आगे छह महीने आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो तो इसका मतलब आपको लगभग नौ महीने मिलेंगे दैट इज वॉट माई इंटरप्रिटेशन इज एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं कि जिसका एग्जाम खत्म हो गया उस दिन चला आ आज पेपर लिख छः महीने खत्म हो गए ना तो आपको नौ महीने मिलेंगे तो नए सिलेबस में आपको पढ़ने को ज्यादा टाइम मिलेगा तो पासिंग का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा बनता है प्रोवाइडेड यू आर वेल इक्विप्ड बट बहुत सारे बच्चे जो है ना वो नौ महीने में मैं पढ़ाई करूंगा नहीं होगा ये ये इंटरमीडिएट नहीं है इंटरमीडिएट का पढ़ाई नौ महीने में हुआ था क्योंकि इंटरमीडिएट में वॉल्यूम उतना नहीं था सिलेबस का डेप्थ भी नहीं था उतना नहीं था जितना इसके कंपैरिजन में बच्चा हंस रहा है जैसे मान लो मैं तुम इंटरमीडिएट पास हो गए इंटरमीडिएट में वॉल्यूम उतना नहीं था हमने बहुत सारी चीजें की थी बट सिलेबस के लिए उतना एक्सपेक्टेड नहीं था यहां पर डेप्थ बहुत ज्यादा है लाइक एस एफ एम है हजार पेजेस के नोट्स है नोट्स हजार पेजेस के उसमें सॉल्यूशंस नहीं है सौ मार्ग के लिए आपको इतना लड़ना पड़ेगा मैं डीटीआई DT तो बात ही नहीं कर रहा हूं तो यहां पर डेप्थ ज्यादा है तो आप अगर अज्यूम कर रहे हैं कि वो दो साल का आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद मैं पढ़ना चालू करूंगा आप गलत फहमी में हो यू शुड फिनिश एटलीस्ट फ्यू सब्जेक्ट्स प्रॉपरली ड्यूरिंग आर्टिकलशिप तो ये चैप्टर्स आपको बहुत सारा हेल्प करेंगे 68 मार्क्स इज दिस चैप्टर्स फॉरेक्स एवरेज 23 मार्क्स वैल्यूएशन अराउंड 19 मार्क्स डेरिवेटिव्स 13 14 मार्क्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 11 टू 12 मार्क्स कुछ एग्जाम्स में ज्यादा आया है कुछ एग्जाम्स में कम आया वो एक्सेल शीट भी मैं आपको बाद में शेयर करूंगा एग्जाम बाय एग्जाम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है मेरे पास मिड कैप्स आर अराउंड फॉर 41 मार्क्स सो एम उसमें टॉप में है एम एन ए म्यूचुअल फंड दस बारह मार्क के है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से मिड कैप मैंने इसको लिखा क्योंकि इसको पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं लगता है। अगर आप मार्क्स में देखोगे एमएनएलियो से लगता है ना इट विल्स मिनिमम और अगर आपका मैथ्स वीक है तो फोर एक्स कर लो टू मेक इट पोर्टफोलियो टू बी फोर एक्स ऑफ मर्जर्स एन एक्शन इसलिए मिड कैप कैटेगरी में डाल दिया है

और शॉल एनी फोर आउट ऑफ फाइव और थ्री आउट ऑफ फोर रहता है सो दैट्स व्हाई यू गेट 120 और 124 मार्क्स रफली तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है नए सिलेबस में जाने के बाद मुझे लगता नहीं है कि ड्रामेटिक कुछ चेंज होगा अब आपको क्या मॉडल्स मिलने वाले हैं मतलब हमारे तरफ से आईसीए के मॉड्यूल सबको मिले कि नहीं मिले मालूम नहीं मुझे आईसीए के मॉड्यूल्स में यहां पर सिर्फ ब्रीप ब्रीप में रहता है प्रॉब्लम हार्डली कुछ रहता है आईसीआई मॉडल यू शुड रेफर आफ्टर आई है चेक करना चाहिए बट अपने तरफ से आएंगे छ मॉडिल पहला मॉडल है छ मॉडिल से वही तो बोला साइज ज्यादा है बट बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है तो पहला मॉडल जो बेसिक्स और बॉन्ड वेल्यूशन का आप कल कलेक्ट कर लेना मतलब गया होगा उधर सो so, सबके सब, सब मॉडल्स कलरफुल है बहुत सारे इंटर में कलर कलर करने के बाद रोते थे तो ऐसे कलरफुल है वही चीज जो इंटर में तुमको स्क्रीन पे दिखती थी ना वही चीज को मैंने कलर में प्रिंट किया है हुँ? क्या क्या बोले क्या कर, कलर से तुम ऐसा मतलब क्या करोगे मालूम नहीं बट कलरफुल वी हैव कलरफुल नोट्स बेसिक्स ऑफ एफएम हम कवर करेंगे क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें मुझे एम को या वैल्युएशन को लगेंगे तो हम पहले कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेशोज उसका थोड़ा सा ब्रीफ में एक दो लेक्चर रिविजन करेंगे एंड देन वी स्टार्ट अप स्टार्टअपन द फर्स्ट मॉड्यूल विल कवर अप दैट देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद वैल्यूएशन तो वैल्यूएशन के टॉपिक में जो वैल्यूएशन मैंने लिखा था ना यहाँ पर बीस मार्क का कुछ तो था uh, अठारह मार्क का था वैल्यूएशन तो वैल्यूएशन को मैंने स्प्लिट किया है के इसमें आप देखोगे तो बॉन्ड वैल्यूएशन आपको दिखेगा ही नहीं इंडेक्स में तो तुम किधर से शिक्र है उधर है उनके मॉड्यूल में तीन पेजेस है बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर या चार चार हो गए अब एक बड़ा दिया मेरे हिसाब से चार पेजेस में बॉन्ड वैल्यूएशन इंस्टीट्यूट ने खत्म किया जो मुझे खत्म करने के लिए अस्सी पेजेस लगेंगे लगेंगे तुम्हारा नोटबुक सौ पेजेसौ सौ पेजेस का बॉन्ड का नोटबुक बनेगा क्योंकि तो है उतना डेप्थ में है अदरवाइज यू कैनोट सॉल्व द प्रॉब्लम

आपको डेप्थ में सीखना पड़ेगा ये सीए फाइनल है फर्स्ट थिंग जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में लिखी है लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड इज एक्सपर्ट नॉलेज तो आप इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्टडी इन एनी ऑफ द सिक्स पेपर्स और एट पेपर्स एज द केस मे बी विल रिजल्ट इन टू सिक्स मंथस ऑफ डीले कॉस्ट ऑफ नॉट स्टडिंग प्रॉपरली इज मच मोर देन द फीस दैट यू आर पेइंग कौन सारा बच्चा होता है इतना फी कैसे दिखाना पड़ता है पांच हजार में भी तुमको चीज मिलता है मारुति एट हंड्रेड भी मिलता है और एट मारुति अल्टो भी मिलता है और मर्सिडीज बेंज भी मिलता है अब किस में जाना है तुम्हारा बात तो बहुत सारा चीज आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा तो आई विल कंटिन्यू विद द वैल्यूएशन वाला पार्ट इक्विटी वैल्यूएशन देन बिजनेस वैल्यूएशन एंड देन, देन मनी मार्केट वैल्यूएशन तो मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू अगर आप देखोगे एक ही चीज पे फोकस कर रहा है वैल्यूएशन ये लगभग सौ डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ के बीच में रहेंगे मॉड्यूल्स डेढ़ो सौ डेढ़ सौ पेजेस या मोर देन दैट मॉडल थ्री के अंदर हम थोड़े मिड कैप पे जाएंगे तो, तो पहले दो मॉडल में ऐसा होता है कि दो मॉडल खत्म हो गए एक ही चैप्टर खत्म हुआ वैल्यूएशन लार्ज कैप है ना वो? तो फिर थोड़ा सा फील आने के लिए खत्म हो रहे जल्दी तो इसलिए मैं मॉडल थ्री में क्या करूंगा स्मॉल कैप वाले को मिक्स किया मैंने थोड़ा एम लिया है म्यूचुअल फंड लिया है रिस्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस तो लगेगा हाँ चार चैप्टर खत्म हो गए मम्मी चार चैप्टर और खत्म हो अपना घर पे आके बोलने के लिए देन पोर्टफोलियो एंड इंटरेस्ट रेट शायद इंटरेस्टरेडिविकर आफ्टर फॉरेक्स तो मॉड्यूल फोर में डाल दिया मैंने बट सिखाऊंगा मैं थोड़ा फॉरेक्स के बाद क्योंकि उसमें कुछ फॉरन करेंसी स्वैप्स आते हैं करेंसी स्वैप तो मॉड्यूल फाइव फॉरेक्स

नया सिलेबस जब भी कभी आएगा मेरा एक्सपेक्टेशन है समवेयर अबाउट नोवर डिसम्बर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देनाउंस इट और अक्टूबर समवेयर तो तब अनाउंस करेंगे तब तक ऑब्वियसली अपना बैच खत्म हो गया होगा बट उसके बाद भी जिनको न्यू सिलेबस में जाना मैं वापस से सेशन लगूंगा उसका आपको वापस से फी नहीं देना है तो कुछ चेंजेस रहेंगे मेरे को लगता है कॉस्मेटिक चेंजेस रहेंगे अगर कुछ नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया तो वो सिखाना पड़ेगा जो चैप्टर डिलीट हो गया तो उसके लिए कुछ एडिशनल टाइम नहीं लगेगा कुछ नए चैप्टर्स आ सकते हैं यू डोंट नो बट जो स्कोप मुझे लगता है ना क्योंकि ये ये जो बिग बिग फोर फोर है है में से ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जिसको आप डिलीट कर सकते हो और उसको FM कह सकते हो मतलब उसके बाद बाकी का जो सिलेबस रहेगा एफ एम विदाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विदाउट डेरिवेटिव फॉरक्स इज नॉट पॉसिबल और मैं अभी सिखा दिया टाइम पे ऐसे कंसेप्ट सिखाने वाले की जो अभी मॉड्यूल में नहीं है तो भी मैं सिखाऊंगा बहुत सारी चीजें लाइक बॉन्ड का इम्यूनाइजेशन है आई वॉन्ट टू इम्यूनाइज माई पोर्टफोलियोटिपिकल लैंग्वेज में आपने कभी न्यूज पेपर वगैरह गलती से पढ़ा होगा असेट लाइबिलिटी मिसमैच बोलेंगे मतलब, सर, suspense account? नहीं हम बैलेंस शीट का बात नहीं असेट लाइबिलिटी मिसमैच मतलब मेरे जो असेट्स का टाइम ड्यूरेशन है जब असेट्स कैश में कन्वर्ट हो गए और मेरी जो लाइबिलिटीज है जो मुझे पे करनी है उनका जो टाइम का बकेट्स है पेमेंट का उसमें मिसमैच क्रिएट होता है बहुत बार तो वो मिसमैच ऑब्वियसली होता ही है बट उसको इम्पैक्ट उसका मिनिमाइज करने के लिए इम्यूनाइजेशन करके कॉन्सेप्ट होता है तो वो कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया मुझे लगता है कि नए सिलेबस में आएगा तो हम सिखाते टाइम पे अभी मैं आपको उसी हिसाब से सिखाने वाला हूं कि एडवांस पॉइंट्स जो भी हो सकते हैं क्योंकि नए सिलेबस में एडवांस्ड बोला है नाम तो तो वो हम दोनों कवर करेंगे नए चैप्टर्स कुछ आ गए तो वापस मिलना पड़ेगा आपको यू कैन रिमेन इन ओल्ड सिलेबस एब्सुलटली नो प्रॉब्लम नॉलेज हम चीजें कवर करेंगे तो आप प्लीज अपडेट रखना खुद को क्योंकि जो एमसीक्यूज या न, वैसे ही आएंगे क्योंकि अगर आप आज के तारीख में जो एक पेपर सिक्स है इलेक्टिव पेपर जो है उसमें देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर पे या करंट लाइक आई एल एफ एस के ऊपर पचास मार्क का केस स्टडी पूछा था इंस्टीट्यूट ने दो हजार उन्नीस में जो बच्चे अपडेटेड ही नहीं थे प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ पूरे डायरेक्ट फेल क्योंकि उनको ILS, कुछ मालूम ही नहीं था उसके बारे में जैसे so तो कुछ मालूम ही नहीं पढ़ा ही नहीं है और वैसा एक पेपर आपके सिलेबस में है नए सिलेबस में भी जाओगे ना एक पेपर है मल्टी डिसिप्लिनरी के स्टडीज वो पेपर रहने वाला है उसमें सिर्फ अभी क्या है इलेक्टिव में चॉइस था उसमें चॉइस नहीं रहेगा वो चॉइस है वो इस आ, मतलब वो कुछ तो उन्होंने सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स में चॉइस दिया है कॉन्स्टिट्यूशन साइकोलॉजी तुम्हारा साइकोलॉजी अगर अफेक्ट हो गया होगा तो साइकोलॉजी ले लो जो चॉइस लेना तुमको ले लो अच्छा है तो, तो मोदी जी को थोड़ा थोड़ा मतलब प्रेज करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो कवर किया है तो इसलिए उन्होंने साइकोलॉजी डाल दिया अच्छी बात है तुम वो चूज करना वो तुम्हारा सेल्फ पेस्ट लर्निंग मॉड्यूल रहेगा मेरे हिसाब से इनिशियली जो बच्चे न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करेंगे ना जिनका एक साल डेढ़ साल का आर्टिकलशिप हो गया और वो कन्वर्ट करेंगे उनका आर्टिकलशिप खत्म होने तक तो वो मॉड्यूल ही नहीं आएगा <laughs> फिर फाइनली बाद में बोलेगा यू कैन अपियर फॉर द एग्जाम विदाउट दिस सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल एज अ ट्रांजिशनल प्रोविजन ओनली फॉर दिस बैच वो क्योंकि उनका मॉड्यूल बना ही नहीं होगा अभी तक कुछ काम ही नहीं किया है जितना इंस्टीट्यूट का अंदर का मेरा नॉलेज है कुछ भी काम नहीं किया अभी तक क्योंकि तो ये स्कीम अप्रूव होगा नहीं होगा भगवान जाने पिछली बार ये जो अभी का एग्जिस्टिंग सिलेबस है इसको अप्रूव होने को चार साल लगे थे तो यू नेवर नो यू कैनॉट स्टॉप यूर प्रिपरेशन इस बार थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि आया एक ने बजा के रखी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स तो थोड़ा जल्दी सिलेबस चेंज आ जाएगा तो आप बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज रखना क्योंकि ये एस जो सौ माक का है मेरे को लगता है इस नॉलेज के ऊपर आपको कम से कम बीस मार्क मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का जो पेपर है ना उसमें लगेंगे गुड केस स्टडीज दैट विल बी और जो कॉस्टिंग नए सिलेबस में डिलीट हो चुका है उसका जो सेल्फलेस लर्निंग मॉड्यूल जब कभी बनाएंगे उसको भी ठीक से देखना बिकॉज केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए कॉस्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज जरूरी है तो वो जो सेल्फ सेल्फलेस मॉड्यूल आएगा कॉस्टिंग और लॉ का जब भी कभी आएगा तो आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से वो करना पड़ेगा तो कीप दैट practical knowledge intact. We'll have a lot of uh, sessions on data analytics. This will be in addition to the lecture timings. matlab मतलब, additional ho gaye optional hai kisi ko matlab like so security analysis ka chapter hai उसमें मैं आपको actually screener से data लगा के data कैसे pull करना है और उसको screener पे कैसे conditions लगाएँ. तुमको query run करने पड़ता है. You have to create a screener.

तो ऐसे बहुत सारे एनालिटिकल चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे नए सिलेबस में आईटी क्या रखेंगे वो अभी तक मुझे नहीं उनको भी मालूम नहीं है बट जो मुझे लगता है कि अगर रिलेटेड चीज रखना है तो फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो है तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अफिशियंसी फ्रंटियर इन द पोर्टफोलियो इफिशियंसी फ्रंटियर में कॉन्सेप्ट है सिलेबस में कॉन्सेप्ट आपके विच सेज यू ट्राई टू मैक्सिमाइज रिटर्न बाई रिड्यूसिंग रिस्क there are certain portfolios which have lower risk and a higher return ab wo portfolio construct kaise karne ka us karne ke liye aapko two way table ka concept lagta hai data table karke concept hota hai excel ke andar you need to know it is not pivot table तो आपने शायद प्योर टेबल वगैरह यूज किया होगा आर्टिकल शिप में आपको लग रहा होगा कि मुझे आता है नहीं क्या अलग है डेटा टेबल करके है तो टू यूज अ डेटा टेबल एंड लर्न उ डू क्रिएट अफिशियंसी फ्रंटियर तो वो चीजें शायद वो रखेंगे तो मैं भी ये कवर करूंगा उसके अलावा अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ नया लिख दिया थे तो मैं नहीं सिखाऊंगा वो आपको शॉर्ट नोट प्रिंट करके दूंगा ये आई टी है ये राइट अट नोट ऑम ब्लूमबर्ग टर्मिनल वन टू थ्री तो वो रहा तो तुम थेरी तुम खुद करने का प्रैक्टिकल रहा तो सिखाऊंगा विल कवर अपरिकल क्वेश्चन थेरी क्वेश्चन क्यों नए सिलेबस में तो आएंगे। तो राइट नाउ इट सेल्फ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वॉट एमसीक्यू पर कुछ लॉस तो नहीं होने लगा और ये एमसीक्यू आपको मोबाइल फोन पर ऐप पर देने ऐसा नहीं कि आपको बैठ के देना तो है, 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 आप है कुछ काम नहीं है आप पोकेमोन खेल रहे हो तो उसके जगह पे आपको ये दो चार एमसी क्यूज करना है आप ओपन करके दो चार सॉल्व कर सकते हो यू कैन टेक अप्री एट अ टाइम एंड सॉल्व इट एज पर योर ओन स्पीड विल कवर ऑल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आर टीपीज मॉक टेस्ट पेपर जैसे इंटर में मैंने आपको नोट्स के एंड में या चैप्टर के एंड में दिया होगा तो अभी तो मैंने डायरेक्टली चैप्टर के एंड में दिया है हर एक चैप्टर के एंड में ही क्या आएंगे पास्ट क्वेश्चन पेपर्स आएंगे हाँ उसमें जो रिपीटेशन है वो मैंने डिलीट किया लाइक like, कुछ कुछ चैप्टर से जहां पे आरटीपी में कुछ नया क्वेश्चन ही नहीं आया मतलब तो जो पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन रिपीट हुए तो आरटीपी के क्वेश्चन आपको शायद नहीं मिलेंगे वहां पर क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है तो जहां जहां पास्ट एग्जाम के सबके सब मैंने कवर कर लिए इवन इफ दे आर रिपीटेड क्या मैं होमवर्क दे सकता हूँ ना इंटर में आए हैं इसका मतलब ये नहीं है सॉरी फाइनल में आ गए ना देखिए फाइनल में आ गए इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो गए होमवर्क में नहीं करूंगा जो गाली फाउंडेशन है इंटर में खाई होगी होमवर्क ना करने के लिए वो गाली अभी भी कुछ सुनने पड़ेगी और वो हैंडराइटिंग भी इलेजिबल होना चाहिए होमवर्क प्रॉपरली लिखना चाहिए डिसिप्लिन के वर्च्यूज को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बट हैंडराइटिंग इंप्रूव हो गया होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आर्टिकल शिप में हैंड राइटिंग बहुत खराब होता है लिखने की आदत ही चली जाती है कंप्यूटर पे काम करते बहुत सारा तो आपको ये करना पड़ेगा देन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो फाइनल का है ना दो ढाई घंटे एट अ स्ट्रेच रिकॉर्डिंग्स देखना मुश्किल होता है यू विल मिस सर्टन लेक्चर्स बिकॉज ऑफ आउट सेशन ऑडिट और वट तो जो लेक्चर्स हो गए वो तो मैं अपलोड करूंगा नॉट एज अ वन लेक्चर तो आज का जो एक लेक्चर है मतलब फॉर एक्साम्पल अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या करूंगा कट करूंगा तो मैं यहां पर रिकॉर्डिंग्स कट करते जाऊंगा बीच भी बीच में एंड इनस्टेड ऑफ अपलोडिंग वन डेज लेक्चर एज वन लेक्चर आई विल पुट इट अप एज अ ये इंट्रोडक्शन पार्ट वापस कभी देखने की जरूरत नहीं होगा क्या पहले बार बोलना पड़ता है तो करना पड़ता है तो so, ये है तो so, मैं क्या करूंगा प्रॉब्लम्स भी है जो भी है सब चीजों को ऐसे स्प्लिट करते जाऊंगा फाइल्स को सो so, आपको एक एलएमएस का प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको आज जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है एडमिशन के टाइम पर उस पर एक ईमेल आएगा उस पर आप साइन अप कर लेना मतलब एक ही लॉग इन से आपको मिलेगा दिस वीडियोज विल बी एक्सेबल ऑन योर फोन और लैपटॉप सिंगल साइन इन मतलब टाइम आप एक जगह पे कहीं तो साइन इन कर सकते हो इधर मोबाइल पे करो या लैपटॉप पे करो या डेस्कटॉप पे करो जिधर आपको साइन इन करना है उधर कर लो आप एक, एक जगह पर साइनिंग किया दूसरी जगह से साइन आउट हो जाएगा इन मोबाइल फोन लैपटॉप पे डाउनलोड नहीं होता डाउनलोड तो तो करने का कोई जरूरत लाइक यूट्यूब प्लेटफॉर्म सो यू कैन प्ले इट इंस्टेंटेनियसली देर इज नो नीड ऑफ डाउनलोडिंग सो यू कैन डायरेक्टली प्लग एंड प्ले यूजर आई डाल दिया पासवर्ड डाल दिया कोई कुछ नहीं कुछ नहीं बैकग्राउंड पे पूरा इंक्रिप्शन होते रहेगा एंड देन इट विल It will pick up your mobile phone, email ID, आई डी details. कपड़े पहन के बैठना बीच बीच में वो सो so, उतना होगा सो so, एक लेक्चर जो है वो आपको के फॉर्म में मिलेंगे एडवांटेज क्या है तुमने कोई दिन मिस किया या कुछ चीज मिस किया कुछ चीज आपको रिवाइज करना है इज नो नीड ऑफ रिविजिटिंग एंटायर लेक्चर तो कैप्सूल का नाम ही रहेगा वहां पर तो so, मैंने सिलेबस जो है ना उसमें भी कैप्सुल्स रखा है अच्छा वो इधर तो आपको दिखेगा नहीं देखा एक सेकंड आपको मैं दिखा दू चलना है मी शो यू देखो अब ये बेसिक्स ऑफ एफ एम है चैप्टर है मैंने यहां पर कैप्सूल्स रखे तो जो नोट्स में आपको कैप्सूल दिखेंगे और जो एलएमएस के अंदर आपको कैप्सूल्स दिखेंगे वो दोनों सेम चलेंगे हाँ कुछ कुछ कैप्सूल सिखाने को मेरे को ज्यादा टाइम लग सकता है लाइक अभी बॉन्ड का कॉन्वेक्सिटी कॉन्वेक्सिटी है convexity का एक करने का एक्सप्लेन करने आई माइट टेक अ मोर टाइम सो आई कुड स्प्लिट दैट कैप्सूल कैप्सूल नंबर सो एंड सो टाइम पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री जो भी टाइम्स है या इल्ड सिखाने yield के बहुत सारे टाइप्स है या ईल्ड कर सिखाना है या टर्म स्ट्रक्चर सिखाना है इंटरेस्ट रेट्स का आई कुड टेक अ मोर टाइम फॉर वन कैप्सूल तो पूरा का पूरा नोट्स जो है वो कैप्सुल्स में डिवाइडेड है अभी कैप्सूल ये चलो इंट्रोडक्शन वगैरह चैप्टर छोड़ दो लाइक फॉर एग्जांपल ये इंटर का चैप्टर है बट आपको लगने वाला है पूरा वैल्यूएशन के लिए इसलिए मैंने एग्जाम के क्वेश्चन इंट्रोडक्शन बेसिस पे जो है वो यहाँ पे रखे इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसके बेसिस पे आपको ये फाइनल के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं नवंबर नाइनटीन नवंबर ट्वेंटी जॉन ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी वन मे ट्वेंटी टू तक के सब क्वेश्चंस अपडेटेड है डे बिफोर के पेपर तक तो अभी ये बॉन्ड मार्केट है यहाँ पर कैप्सूल वन आ गया कैप्सूल कैप्सूल वन के अंदर जो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको कलर में हमने ऑलरेडी हाईलाइट करके कर दिए और कलर आपके नोट्स में भी प्रिंटेड रहेगा जो तो आपको कलर चाहिए था ना अगर आपको याद होगा तो इंटर के नोट ऐसे ही थे साइड में सब कुछ सेम था ना यार क्या फर्क था वही, वही ते 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 नाम बदल लिया बस और कलर में तो ये कैप्सूल्स आपको वहां पर मिलेंगे बच्चों तो

तो आपको बैकअप मिल जाएगा वहां पर यू कैन वॉच लेक्चर्स आपका अगर लेट्स से बहुत ज्यादा आउट सेशन ऑडिट हो गया और ये 25 परसेंट में आपका कवर नहीं हो रहा वो इंक्रीज करने का तुषार को मैसेज ड्रॉप करने का ही विल इंक्रीज दैट दैट नॉट अ प्रॉब्लम अगर खत्म हो गया मतलब यू मिस मोर लेक्चर ट्वेंटी फाइव आपको कोविड हो गया आने का नहीं मेरे को ऑलरेडी दो बार दे चुके बच्चे तू नहीं दिया था मैंने तेरे को दिया था सो so, oh, ज्यादा मिस हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो आई क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट्स व्हाट्सएप के जगह पर टेलीग्राम करता हूं क्योंकि पुराने डाउट जो है ना वो जो नए बच्चे एड हो गए उनको पुराने डाउट्स वहां पर दिखते रहेंगे सो दे टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट डिस्कशन डिस्कशन करना होता है मतलब इट्स नॉट ग्रुप इज नॉट फॉर वन वे कम्युनिकेशन वेर आई कीप ऑन पुटिंग द थिंग्स डिस्कशन डज नॉट इन्वॉल्व पॉलिटिकल डिस्कशन देखो ये हिंदू मुस्लिम का ये चल रहा है ये चल रहा है नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड ब्लड इन पॉलिटिक्स आई डोंट केयर डोंदर मोदी और राहुल गांधी और केजरीवाल पॉलिटिक्स नहीं चाहिए फालतू नहीं चाहिए like, like, इनवर्टेड कर, करेंगे. कर हो गया. आप गूगल पे या कहीं पे भी कर हो गया, रिसेशन आ रहा है बट भाई ऐसा नहीं होता हर बार इन्वर्टेड ईल्ड कर आ गया तो रिसेशन नहीं होता तो यू वॉन्ट आ डिस्कसाटेड इल्ड कर अगर आपको मालूम नहीं क्या है सीखेंगे तो वो डिस्कशन करना ना यहां पर मुझे कुछ लेक्चर के अंदर मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शन आएगा आई नॉट गो बियॉन्ड अ बियन लेवल टो आई मे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट्स डिस्कशंस जो भी है आपके एकेडमिक डाउट्स है या कुछ भी है वो पूछ सकता है एल एम एस में मैं बहुत सारा एक्सेल फाइल्स क्रिएट करेंगे हम लेक्चर्स के अंदर सो इन शेयरिंग ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप आई पुट फाइल्स ऑन टू फाइल तो वहां पर चैप्टर दिखेगा चैप्टर के अंदर कैप्सूल लेक्चर्स कैप्सूल बहुत सारे दिखेंगे तो इट विल टू मेनी बहुत सारा लेंथ दिखेगा आपको बट आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को उसमें जैसे फोल्डर को मिनिमाइज कर सकते हो ना आप जैसे उसमें ऑप्शन रहेगा एल एम एस के अंदर सो कैप्स बॉन्ड वैल्युएशन का आपने एक्सपांड किया

करूंगा और वो पीडीएफ वहां पर एल में अपलोड करूंगा तो जिन कमीनों ने होमवर्क नहीं किए बाद में निकालने के अलावा आप वहां से रेफर कर किया बट होमवर्क मैंडेटरी है रुमन जी होमवर्क मैंडेटरी है जो यूट्यूब या इंटर में घर पे लेक्चर्स किया होगा होमवर्क नहीं किया होगा ये नहीं चलेगा फाइनल में आके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस होती है ना बच्चों की वो होती है डिसिप्लिन बच्चे खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं वो तुम उधर क्लाइंट प्लेस पे हो सकते हो इधर नहीं हुँ? इधर मैं बॉस है और तुम इधर आर्टिकल है तो होमवर्क करने का होमवर्क के सोल्यूशन या पीडीएफ जो नोट्स के पीडीएफ है वो पीडीएफ भी उधर एड हो जाएंगे सो टॉयलेट के अंदर भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो एंड में जाके मैं आपको माइंड मैप का अलग से एक बुक दे दूंगा तो विल we'll हैव तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड में तुम ऑफर एक दिन में कैसे खत्म करो ये सब कुछ छः के छिल नहीं एक दिन में भी खत्म कर सकते हो पहले अभी मॉन्ड मार्केट इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल दिया ना चार पेजेस में खत्म किए या बहुत सारी चीजें तो मतलब नहीं, नहीं है टेस्ट आपको लिखने ही पड़ेंगे और मोर जी अगर बाप का साइन लेके बगैर आपने अपलोड किया या कुछ दूसरे किसी का पीडीएफ अपलोड हुआ तो जो इंटर में बजी थी उतनी उससे ज्यादा इस बार बजेगी कुछ बच्चा होता है सी, सी, मेरा बेसिकली आपसे ये रिक्वेस्ट है हाँ आप एक दिन डिले हो गया दो दिन डिले हो गया मैं समझ सकता हूं बट करना ही नहीं है मुझे ये गलत है आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ मेजोरिटी स्टूडेंट्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ टैलेंट कि आप फाइनल तक आ गए मतलब आपके में टैलेंट है फिर बच्चा फेल क्यों होता है फाइनल में आके क्योंकि डिसिप्लिन और सिंसियरिटी जो लेवल फाउंडेशन इंटर तक थी ना वो मिस हो जाती है एक्सटर्नल एनवायरमेंट का प्रेशर हो सकता है ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकता है ऑफिस के प्रॉब्लम्स हो सकता है या वट एवर इट कुड भी आई प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं है हर एक लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है बट उसके बावजूद आपको ये करना पड़ेगा तो आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे गुड नंबर ऑफ टेस्ट यू हैव टू राइट आपको आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेकिंग करना पड़ेगा और वो टेस्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मार्क्स भी आपको एंटर करने पड़ेंगे फॉर्म के अंदर सिर्फ गूगल फॉर्म नहीं रहेगा वो एल के अंदर ही वो आ गया आपको दूसरा गूगल फॉर्म अगर लगेगा ही नहीं इंटर में हम हर बार गूगल फॉर्म देते थे आपको ये नहीं गूगल फॉर्म नहीं आपको क्या करना पड़ेगा पीडीएफ एक सिंगल पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा और उधर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे और कौन से पेज पे क्या लिखा है वो आपको मैं बोलूंगा प्रोसेस सिंपल है तो ये टेस्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे दैट्स इट तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था इसके बावजूद आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना जो कुछ डाउट मुझे ऑलरेडी आ चुके हैं सर वाई शुड आई स्टार्ट सो इसका इंटरप्रटेशन मैं दो तरीके से कर सकता हूं सेवन ए एम इज नॉट टू अर्ली फाउंडेशन इंटर आपका सात बजे होता था इट्स नॉट टू अर्ली अगर ये अर्ली का इंटरप्रिटेशन तुम्हारा आर्टिकलशिप चालू होके है फिनिश्ड मंथ्स फाइव मंथ सिक्स ऑफ आर्टिकलशिप अ ईयर ऑफ आर्टिकलशिप सी मेरे हिसाब से तीन से छ महीना इज अ गुड टाइम टू स्टार्टअप क्योंकि अगर नए सिलेबस में जाओगे तो आर्टिकलशिप दो साल का ही है और दो साल के बाद आप क्लासेस करना चालू करोगे और सेल स्टडी करना चालू करोगे यू आर इनवाइटिंग अ ट्रेवल यू आर इनवाइट आई आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट डू इट बट सबके सब सब्जेक्ट्स आपने दो साल के बाद पेंडिंग नहीं रखने चाहिए एटलीस्ट ओल्ड सिलेबस में तो ऑब्वियसली तुमको बहुत ज्यादा सिलेबस मतलब आर्टिकलशिप में खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ओल्ड सेक्शन में लॉ भी पढ़ना पड़ेगा और कॉस्टिंग uh, भी पढ़ना पड़ेगा नए सिलेबस में गए तो एटलीस्ट चलो वो बर्डन तो कम हो जाएगा तो एटलीस्ट इन माई ओपिनियन एफ आर ये दो सब्जेक्ट्स जो है वो आपने खत्म करके रखने चाहिए बाकी आप एंड पे रख सकते हो मिनिमम टू अगर ओल्ड में है सॉरी uh, ओल्ड में है तो एफ आर कॉस्टिंग ये तीन तुम्हारे बेर मिनिमम खत्म होने चाहिए तो यू मस्ट स्टार्ट अर्ली के अंदर एफ आर एंड एस एफ एम भी तुमने खत्म कर लिया गुड इनफ एफ आर एस एफ एम एंड लेट्स ए ऑडिट यू कैन मैनेज एंड मल्टी डिसिप्लिन के स्टडी आपने बाकी सब्जेक्ट सब हो गए तो आप वो सब्जेक्ट आपको ईजी आएगा उसमें पढ़ने के लिए क्या देंगे इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा पढ़ने के लिए ऐसा कुछ कंटेंट उसके लिए नहीं होगा बाकी अदर सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए सो यू शुड स्टार्ट सो अर्ली अर्लीर इज नो प्रॉब्लम हाउ मेनी लेक्चर्स विल बी देयर देखो, खत्म करने के लिए मैं साठ लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूं डेढ़ सौ लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूं बट रीजनेबली जो पास्ट का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है नब्बे से लेकर सौ के बीच में वर्किंग डेज लगेंगे तो अबाउट रफली ९० डेज मान के चलना आप ये अभी के हिसाब से जो सिलेबस है अगर न्यू सिलेबस के अंदर कुछ नए चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ने ऐड कर दिए ऑब्वियसली वो टाइम एडिशनल रहेगा वो मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि नब्बे में से कुछ इररिलेवेंट भी हो सकता है मुझे इसमें से इररिलेवेंट होने का जो चांस है ना वो लगता है मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं कौन सा चैप्टर जाएगा ये फाइनेंशियल पॉलिसी चला जाएगा सेक्यूरिटाइजेशन ये थ्योरी है थ्योरी फॉर्मेट पे जो चैप्टर रखेंगे ये चले जाएंगे स्मॉल कैप कैटेगरी चला जाएगा और उसके जगह पे कुछ तो नहीं आएगा बट वो लॉस कितना होगा एक या दो लेक्चर का मैं भी उसको दो लेक्चर में ही निपटाने वाला स्मॉल कैप है तो स्मॉल अलोकेशन ही है उसको तो so, लेक्चर्स मैंने बोल दिया लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी प्राइमरली इंग्लिश हिंदी में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन जो चाहिए शुद्ध हिंदी में हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे और कुछ डाउट है सिलेबस अटेम्प्ट विल बी अलाउड फ्रॉम नोवेबर 23. थ्री अगर ये अक्टूबर तक आ गया सितंबर अक्टूबर तक थर्टी डेज का जो पीरियड है कमेंट्स का वो तीन जुलाई को खत्म होने वाला है थर्ड ऑफ जुलाई समवेयर थर्टी डेज कमेंट पीरियड लीगली जो प्रिस्क्राइब पीरियड है पीरियड खत्म होगा उसके बाद इंस्टीट्यूट का जो क्रेडिट का कमेटी है वो उस कमेंट्स को रिव्यू करेगा फिर उसका रिपोर्ट एमसीए के पास जाएगा काउंसिल के पास जाएगा अप्रूवल्स वगैरह में दो तीन महीना लग सकता है तो अगस्त से अक्टूबर समवेयर सप्टेम्बर अक्टूबर के अंदर ये हो सकता है तो अगर सेप्टेंबर अक्टूबर के अंदर ये फाइनलाइज हो गया तो नवंबर 23 से ही लगेगा क्योंकि मई 23 का जो सिलेबस है उस टाइम तक बोर्ड ऑफ स्टडीज को मॉड्यूल बनाने के लिए टाइम लगेगा ना क्योंकि कुछ चीज़ों के तो मल्टी डिस स्टडी का मॉडल बनाना पड़ेगा वो सेल्फ बेस लर्निंग वाले मॉडल बनाने पड़ेंगे या बच्चों को कुछ मे 23 में अगर इंट्रोड्यूस किया तो दे विल हैव टू गिव अ टू द स्टूडेंट्स सेल्फ दूडेंट्सिंग और लॉ नहीं किया तो भी चलेगा लेकिन वो नहीं किया तो मल्टी डिसी लिखेगा कैसे बच्चे तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 23 से ही नया सिलेबस आएगा और किसी को कोई डाउट है पूछ लो तो वापस इंट्रोडक्शन या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें पे वापस डाउट नहीं आना चाहिए तुमको आज ईमेल आएगा ईमेल आने ईमेल में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा वो टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप आएगा ये आएगा द रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वैलिड फॉर टू टू एंड हाफ ईयर्स तुम जब तक खत्म नहीं करते तब तक या सी नहीं बनते तब तक वैलिड रहेंगे ये वैलिडिटी काम का कंसेप्ट नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम नहीं होगा ना तुम जब तक वो लेक्चर्स का व्यूज खत्म नहीं करते तब तक वो तुम्हारे वैलिड रहेंगे टेंशन मत लेना बट इतना तुम डिले भी मत करना दो से ढाई साल बट लेक्चर्स विल भी मतलब तुम अगर अभी अभी है तुम्हारा अटेम्प्ट अगर दो हजार बाईस या आप जब प्लान कर रहे हो आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं प्लस हम रिविजन सेशन भी लेंगे वो नब्बे लेक्चर में काउंटेड नहीं है ऑब्वियसली नब्बे लेक्चर सिखाने के लिए लगते हैं मैं बोला साठ लेक्चर में खत्म करना है खत्म करके दे सकता हूँ तुमको, तुमको क्या समझता है यार अब ये बॉन्ड वैल्यूएशन का जो चैप्टर है मॉड्यूल में लिटरली पांच छह छह पेजेस में खत्म किया है तो पांच छह पेजेस में उतना ही सिखा सकता हूं तो तुमको बता सकता हूं यह खत्म हो गया कुछ कुछ पेपर बहुत ईजी आ सकता है वो पेपर तुम लिख पाओगे लेकिन अगर कुछ कुछ पेपर्स में बॉन्ड वैल्यूएशन वैल्युएशन कुछ कुछ पेपर्स में ईल्ड करके ऊपर क्वेश्चन पूछे यार यील्ड कर इम्यूनाइजेशन मेरे पास इम्यूनाइजेशन पहले ये पी सीरीज है तो ये प्रॉब्लम का पी सीरीज है प्रॉब्लम्स भी टाइप बाय टाइप क्लासिफाइड है टर्म स्ट्रक्चर पे प्रॉब्लम्स है क्यू फाइव अगर देखोगे ना ये आई है कैलकुलेट वन ईयर फॉरवर्ड रेट ये फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने के लिए यूनिट टू नो ईल्ड कर टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स यूनिट टू अंडरस्टैंड कुछ कुछ पूछा है यार एग्जाम का क्वेश्चन है जहां पे ड्यूरेशन वोलेटिलिटी कॉन्वेक्सिटी तो कॉन्वेक्सिटी समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स में मुझे लेके जाना पड़ेगा तुमको मिरर का एक्साम्पल देना पड़ेगा कॉनके मिरर का कंसेप्ट तुमने सीखा होगा एक लीनियर रिलेशनशिप रहता है एक कॉनकेव रिलेशनशिप रहता है कॉनकेव रिलेशन के लिए सेकंड डिग्री डेरिवेटिव रहता है

मैं आपको लिटरली अशर करता हूं मतलब एज एज फार इज कंसर्न इफ यू फोकस प्रॉपरली ऑन ऑल द लेक्चर्स एंड डू इट प्रॉपरली लिटरली गेटिंग सेवेंटी एटी मार्क्स इज पॉसिबल बिकॉज पेपर मैं आपको पूरे पेपर से मेरे पास अभी एक्सेल शीट वो लैपटॉप पे हर एग्जाम का हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा सबके सब कवर्ड है यहां पर मैंने क्यू सीरीज है क्यू आर एम सीरीज आएगा क्यू इसमें आर एम कुछ रिलेवेंट ही नहीं रहा इससे डाला ही नहीं मैंने तुम्हारे intermediate के में, मैंने क्या किया था सिर्फ पेपर किए थे तुमको याद होगा तो उसको किया मैंने तुमको intermediate में शायद इंडेक्स के ये आए थे तो index के अलावा मैंने यहां पर अलग से कवर किया तो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे और किसी को कोई डाउट इधर बिफोर आई एंड द फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैप्सूल सर अरे चिराग पटेल कभी जिंदगी में फेस टू फेस आया कर इंटरव्यू में वो उधर चैट बॉक्स में लिख के बहुत कुछ टाइप करते रहते हैं एनीवन चलो किसी को कोई डाउट नहीं है सो लेट अस गो हिट विथ फॉर्मल कैप्सूल

वैल्यूएशन का जो अठारह मार्क है उसमें से बहुत बार दस दस बारह बारह मार्क के क्वेश्चन है जो आप ये बेसिक्स ऑफ एफ समझ के ही आप सॉल्व कर सकते हो स्पेशली टाइम वैल्यू ऑफ मनी या रेशो एनालिसिस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मैं अभी ब्रीफ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिवरेज ब्रीफ में एंड रेशोस ये चार पांच चीजों के ऊपर मैं कवर करने वाला हूं एंड देन बेस्ड ऑन दिस

आपने उतना फोकस नहीं किया था डिस्काउंट रेट के ऊपर इंटरमीडिएट के अंदर तो मैं यहां पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा तो बेसिक्स में मैं क्या कर रहा हूं आपको एफ का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट प्लस टाइम वैल्यू वगैरह कवर करूंगा एंड देन आई गो अहेड विद सम क्वेश्चन ऑन वैल्यूएशन विच कैन बी सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज तो लेट्स बिगिन अप तो अगर आपको याद होगा एफ एम एज अ सब्जेक्ट डील्स विथ थ्री थिंग्स और थ्री टाइप्स ऑफ

कल कलेक्ट कर लेना कल आपको अंदर आते टाइम पे ही नोट्स कलेक्ट कर लेना ऑनलाइन पब्लिक तुम ऑफिस से लेके जा सकता है डाल देगा ग्रुप पे तो तुम लिख सकता है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में नहीं लिखा तो भी चलेगा तो जो फंड्स आप प्रोक्योर करते हो उनको कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स डेट होल्डर हो या इक्विटी होल्डर हो वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा या रिटर्न वो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं

Economic value added. See, market price of a share is like a drunken man. It can go in any direction. You would have seen in your office parties how your managers or partners or senior managers go in any direction when they get free alcohol. Or you people also could have gone, depends on whether free alcohol was provided in your office party or not. So, market price can go in any direction. मेरा कहने का पॉइंट ये था फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट सिट डाउन लाइ ऑन द फ्लोर तो एक कॉन्सेप्ट है जो फाइनल में आपका बहुत सारा आएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड उसमें हम क्या इंश्योर करते हैं? कि जो तुम्हारा अरे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है इज दैट प्रॉफिट इनफ टू मीट इज दैट प्रॉफिट इनफ टू मीट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैपिटल तुमने रेज किया है Of funds में, उसकी कॉस्ट है कुछ आई मस्ट जनरेट अ प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम माई ऑपरेशन मेरे ऑपरेशन जो है उससे जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया है प्रॉफिट मस्ट बी मोर देन वॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इवा क्या है इवा यह है नो पैट नो पैट मतलब आई डोंट वॉन्ट पैट नहीं नेट

और जो इवा है उन दोनों में रिलेशन है क्या कुछ टू गिव यू ब्रीफ हिंट मार्केट प्राइस इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म मार्केट प्राइस इज लीडिंग इंडिकेटर इवा इज लैगिंग इंडिकेटर इवा क्या होता है ईयर खत्म होने के बाद आपको इस ईयर में कितना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्रिएट हुआ वो दिखता है मार्केट प्राइस क्या होता है फ्यूचर की चीजों को आज ही डिस्काउंट करके रखता है अगर आपको डीसीएफ याद होगा इंटरमीडिएट में जो भी डीसीएफ आपने किया होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मार्केट प्राइस इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जब मैं मार्केट प्राइस की बात करता हूं तो वो डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है लेकिन ईवा क्या होता है इवा आता कब है पर्टिकुलर ईयर का ईवा निकालेंगे हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इन अ पर्टिकुलर ईयर तो ये और सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई टेक एफ वाई ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी टू फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ने जो इकोनॉमिक वैल्यू एड किया होगा उस साल में और कंपनी का जो मार्केट वैल्यू एडेड होगा उस साल के अंदर इन दोनों में बहुत डिफरेंस दिखेगा तुमको मार्केट वैल्यू एडेड मतलब मार्केट कैप में जो चेंजेस हो गए तुम्हारे मार्केट कैप चेंजेस एंड ईवा चेंजेस विल नॉट को इन साइड इयर बाईर बट अगर एक लॉन्गर साइकिल लेते हो बिजनेस हर एक सेक्टर का साइकिल अलग होता है कमोडिटी बिजनेस में साइकिल्स साइकिल बिज़नेसेस होते हैं बहुत सारे तो so, अगर आप साइकिल देखोगे एंड देन यू ट्राई टू सी ओ दिस इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ओवर द मल्टीपल इयर्स एंड द मार्केट वैल्यू एडेड यू विल ट्राई टू फाइंड सर्टन लिंकेजेस बिटवीन दैट तो एफ के अंदर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स किया मैंने फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया जिसके लिए आपने कैपिटल बजेटिंग वगैरह किया था रिस्क एनालिसिस किया था एंड देन Dividend decisions, these are the three things which financial management is basically concerned about. So, a cost of capital का calculation आपको आना चाहिए इसके लिए लगने वाला है Cost of equity कैसे करोगे cost of debt कैसे आएगा फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेगा वेट में बुक वैल्यू वेट होता है मार्केट वैल्यू वेट होता है तो हम बेसिक्स में आगे कवर करेंगे But जो भी funds तुमने रेज किए हैं उनको हमें तीन पैरामीटर्स पे evaluate करना होता है एक है फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है रे फाइनेंशियल रिस्क यू फंड्स फंड डेट और बाई प्रेफरेंस यू हैव अ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट डेट के केस में क्या होता है कॉस्ट इंटरेस्ट आप रिस्पॉन्स देने का है? मतलब के मतलब सुबह आके जब बैठने के नहीं इधर प्रवचन नहीं मैं रामदेव बाबा या कोई यहां पर बाबा आके प्रवचन नहीं दे रहे सो so, डेट का कॉस्ट क्या है इंटरेस्ट प्रेफरेंस का कॉस्ट फाइनेंशियल रिस्क जब आप पैसा पूरा ओन फंड से रेज करते हो ये फाइनेंशियल रिस्क आता ही नहीं है क्यों देर इज नो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ना इक्विटी का फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है डिविडेंड फिक्स होता है नहीं। बॉर फंड के लिए फाइनेंशियल रिस्क इज हायर एज देर इज अ फिक्स ऑब्लिगेशन और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको देखना पड़ता है तो आपको तीन चीजें देखनी है एक पहला क्या देखना है फाइनेंशियल रिस्क देखना है दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हाई वेन रिस्क इज हाई टेक्स मोर रिस्क इक्विटी होल्डर्स सो ऑब्वियसलीज अ हाई रिस्क फॉर वॉट इक्विटी हाई सिंस इक्विटी इन्वेस्टर्स कैरी मोर रिस्क सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गोइंग टू बी हायर ओन फंडक्विटी बोरोड फंड वॉट बोलो डेट सो डेट केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर बिकॉज इन्वेस्टर्स कैरी लोअर रिस्क प्लस इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर तो इंटरेस्ट का आपको टैक्सल्ड भी मिलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो भी पेमेंट आप इक्विटी होल्डर्स को करने वाले उसका कोई टैक्स शील्ड मिलता ही नहीं कॉस्ट ऑफ डेट इज कंपेटिवलीसर आई होप यू अंडरस्टूड डेट डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल जब भी आप इक्विटी से पैसा रेज करते हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लूज द कंट्रोल ओवर कंपनी एडिशनल फंड जैसे भी रेज करोगे डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल विल टेक प्लेस बॉर्ड फंड में कंट्रोल जाता ही नहीं है ना कुछ क्योंकि डेट होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलते ही नहीं है सो देर इज नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल तो जब मैं पैसा रेज करता हूं तो आई वॉन्ट लोअर फाइनेंशियल रिस्क सो आई शुड प्रेफर इक्विटी बट आई वॉन्ट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई शुड प्रेफर डेट आई डोंट वॉन्ट टू डाइल्यूट द कंट्रोल आई शुड प्रेफर डेट तो कुछ टाइम पे डेट अच्छा लगता है कुछ फैक्टर्स पे इक्विटी अच्छा लगता है यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नोन एज वॉट कैपिटल स्ट्रक्चर तो आपको ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर इंश्योर करना है जिससे आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए तो एफएम का जो फोकस है वो किस चीज पे है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देर आर टू ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकसेस ऑन जस्ट एक्सपांडिंग अर्निंग्स पर शेयर बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकसेस ऑन वॉट फोकसेस ऑन Market price of a share. It focuses on market price of a share. There is a new concept, I don't know how many of you heard, which is not there in the CA syllabus yet. Triple bottom line. Triple bottom line. मनी नो फाइनल में ना तुम लोग जी द्रुमन जी एनवायरमेंट गुड यू शुड नॉट फोकस जस्ट ऑन द प्रॉफिट्स यू फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स कि अब तक आप बोले सर तुमने तो दो ही सिखाया था सर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन िटी एनवायरमेंट सो इट इज बेसिकली ओरिएंटेड टुवर्ड्स दी इन्वेस्टिंग नॉर्म्स हमारे सिलेबस में नहीं है इसको आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इज आज ये आपने नोटिंग करते रहना चाहिए यहां पे प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हैं और घर पे जाके सर्च करना चाहिए ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव करके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करके कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है तो बहुत सारे कंपनीज में आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स मिलेंगे तो आपको इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा के देख सकते हो वेर दे टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रिपल पी तो आपका आपको क्या पढ़ना है आज तो जी ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के बारे में देखो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पढ़ो थ्री पीज देखो या ट्रिपल बॉटम लाइन देखो आप थ्री पी छोड़ दो ट्रिपल बॉटम लाइन सो so, हमारा फोकस लेकिन यहां पर नंबर क्रंचिंग पे ज्यादा है वी आर नॉट गोइंग टू फोकस मोर ऑन टू वॉट एनवायरमेंट आस्पेक्ट ओके वो होता है मतलब उसमें तो हम वेल्थ मैक्सिमाइज वी आर बेसिकली लुकिंग अ डिसीजन विच कैन मैक्सिमाइज वेल्थ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर रिस्क भी कवर्ड है और प्रॉफिट भी कवर्ड है क्यों वेल्थ इज डिनोटेड बाय प्राइस अगर आपको याद होगा प्राइस इज डेरिवेटिव ऑफ प्राइस ऑफ अर डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट पब्लिक अर्निंग्स वॉट यू वॉन्ट टू से प्राइस ऑफ अर डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट पब्लिक अर्निंग्स एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच इज नथिंग बट बोलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या बोलते हैं थर्डल रेट एक्सपेक्टेड रेट कैपिटलाइजेशन रेट अलग अलग नाम है तो प्राइस ऑफ अ शेयर इज ड्रीवन बाय प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट एंड मार्केट प्राइस हैव

वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे वेन यू अर्न अ प्रॉफिट हायर देन वॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन ओनली वेल्थ विल बी क्रिएटेड अदरवाइज इज नो क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिंग अ वेल्थ तो मैंने जो लिखा है यहां पर प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स पर शेयर और सम पीपल डोंट लाइक अकाउंटिंग प्रॉफिट दे टेकअप वॉट कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ बिजनेस कैश फ्लो के हम कुछ वेरियंट्स देखेंगे एज वी गो टुवर्ड्स अ वेल्युएशन आर गोन टू लर्न फ्री कैश फ्लो टू द फर्म फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होल्डर्स ऐसे हम कैश फ्लो के टाइप्स लर्न करेंगे एंड सी विच वन इज सुपेरियर एंड द कैपिटलाइजेशन रेट विच इज अस्ट ऑफ कैपिटल तो हम वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे दट इज माई फर्स्ट कैप्सूल लेटमी सेकेंड कैप्सूल ऑन टाइम वैल्यू ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो एक बार आपको यह समझ गया कि वेल्थ मैक्सिमाइज करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टूल्स लगने वाले जो तो टूल तुमने फाउंडेशन में भी सीखे थे इंटर में भी सीखे हैं और फाइनल में भी लगने वाले है. तो आपको लगता है बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है मैं बहुत क्विकली रन अप बट जो क्वेश्चन आएंगे ना तब तो आपको एप्लीकेशन करते नाइटमेर होगा चैप्टर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टीरियो टाइप नहीं है क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा वराइटी एड करता है तो लेट एस लर्न सो वैल्यू

सोवेरिन सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अरिन गवर्नमेंट हमारा सार्वभौमत्व बरकरार है कितना भी कुछ हम हिंदू मुस्लिम पे कमेंट करें या कुवैत में कुछ हो चाहे या बीजेपी वाले लोग कुछ कमेंट करें या हम कुछ भी करें इंडिया इज अरिन कंट्री एंड विल रिमेन टू बी अवेरीन कंट्री सोवेरीन कंट्री मतलब क्या है जो भी तुमने बॉन्ड्स इश्यू किए वहां पे डिफॉल्ट नहीं हुआ है या होने का चांस नहीं है दिट इज बैक्ट बाय द गवर्नमेंट बैकिंग जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट अप्रूवल राइट दो इट इज इश्यूड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफ टुमारो द सिचुएशन कम्स गवर्नमेंट विल पे फॉर इट तो रिस्क फ्री रेट इज ऑफर्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो यू विल एक्सपेक्ट रिटर्न इक्वल टू वॉट रिस्क 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 फ्री रेट प्लस सर्टन प्रीमियम प्रीमियम अब वो risk premium जो है दैट विल वेरी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर और इवन फॉर द सेम इन्वेस्टर इट विल चेंज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिफरेंट रिस्क परसेप्शन मैं एक, एक इन्वेस्टर हूं टाटा मोटर्स में जब मैं पैसा लगाना चाहता हूं और जब मैं दिलीप बिल्डकॉन में पैसा लगाना चाहता हूं रिस्क लेवल्स अलग अलग है दिलीप बिल्डकॉन एक हाईवे मेकर है वोलेटाइल बिजनेस है टाटा मोटर मुझे लगता है ग्रोइंग बिजनेस है तो इन्वेस्टर का जो रिस्क परसेप्शन है राइट सो right? so, या आप जब रिलायंस में पैसा लगाते हो आपको है, थोड़ा, नहीं बहुत अच्छा होगा इन कंपेरिजन टू वेन इट कम्स टू अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी नो वॉट काल्डर्स आर देर इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी लोअर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट ही कम रखो और जो थोड़े बचे हुए शेयर जो मार्केट में आते हैं उनको भगा दे रहे देखना अंबुजा सीमेंट के साथ क्या होता है यहाँ से आगे जब अदानी मार्क वर्ड्स मीट आफ्टर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन एट ऑलर आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दीज ग्रेट इट्स वेरी गुडास्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज रिस्क फ्री रेट प्लस वॉट रिस्क प्रीमियम तो यू एक्सपेक्ट सटन रिस्क प्रीमियम तब जब मैं रिलायंस में पैसा लगा रहा हूं और मैं जब अदानी ग्रुप में पैसा लगा रहा हूं मुझे रिलायंस में रिस्क कम दिखती है अदानी में मुझे रिस्क ज्यादा दिखती है माई प्रॉब्लम बट समबडी हु इज एक्सट्रीम फैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही माइट फाइंड लेसर रिस्क वाइल इन्वेस्टिंग इन आर कंट्री माइट फाइंड इट्स सब्जेक्टिव ना न नॉट चेंज द बायस ऑफ एमन सो रिस्क प्रीमियम विल वेरी हम रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके कुछ मेथड आपने फाउंड इंटर में सीखे थे अगर आपको याद होगा सी एपीएम मेथड कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल उसमें रिस्क प्रीमियम आपने कैलकुलेट किया था अगर आपको याद होगा रिस्क प्रीमियम वॉज बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ ये इंट्रोडक्शन में नहीं ये सिर्फ अभी फॉर्मूला है याद रखो

रिस्क फ्री रेट भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता क्यों रिस्क फ्री रेट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन रेट अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रिस्क फ्री रेट क्या होता है बढ़ेगा रिस्क रेट विल गो अप इन्फ्लेशन इज समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन जेनेट येलन देन यूर जर्मन पावल ऑल दिस पीपल वेर सेइंग इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्गर बाइडन के नॉइज में अगर आपने सुना होगा लाइक लेट मी एक बहुत खतरनाक वीडियो बाइडन ने पिछले पांच छह महीने में सब बंदर देता मतलब ट्रांजिटरी लगा के रखी पूरी दुनिया की क्यों कोविड के अंदर इन्होंने जो फेड ने जो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का है दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द तो फेड्स रॉन्ग पॉलिसीज they kept on printing the money. they kept on pushing the money just to ensure that we are democrats and the president is sometimes keeps on confusing. if you know the biden's memory, if you have watched. so, let me share. Uh, so, biden kept on saying for last five, six months, just five, six months ago, inflation is transitory. whatever infl u.s. is right now sitting on a time bomb.

शो यू रिपब्लिकन लोगों ने उसका पूरा वीडियो मतलब रिपब्लिकन कुछ नहीं है आई एम नॉट रिपब्लिकन आर इन इंडिया हिस्सर अरुण गिरी कर गए उसको फाइनली बाइडन आ गया यूस बाइडन यो बाइडन यो बाइडन किया उस नीचे एक बंदे ने चैट किया अरुण प्लीज रिमेंबर यूर इन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सो ऐसा होता है तो so, लेटमी जस्ट रीट्वीट दिस वीडियो जस्ट सेकेंड एयर है रिट्वीट आया कि नहीं इधर गया तो एक वीडियो है बाइडन का वीडियो यहां पर एप्पल टीवी से वो ऑडियो जाता नहीं है दैट्स वाई आई कांट शो यू

automatically as inflation changes automatically you will find out risk free rate will keep on changing just a second let me share it क्यों नहीं आ रहा है यार तीन बार किया अभी आएगा शायद चेक करो दिस इज अ वीडियो वेयर यूएस हैज क्रिएटेड इन्फ्लेशन एंड दैट ट्राइंगन और फेड चेयरमैन टू सेन गो टू अटिंग लेवल और उसकी वजह से रिस्क फ्री रेट चेंज होता है रिस्क फ्री रेट इज बेसिकली जो यार्डस्टिक होता है पूरे दुनिया भर में जो यूज करते हैं वो होता है टेन ईयर गवर्नमेंट जीसेक टेन ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है तुम्हारे कंट्री की उसका ईल्ड टेन ईयर जीसे हम कैलकुलेशन सीखेंगे वो देखा जाता है तो यूएस के अंदर वो ईल्ड थ्री परसेंट को टच हो गया या कुछ पॉइंट के लिए थ्री के ऊपर भी गया था राइट नॉट इट भी क्लोज टू थ्री परसेंट तो वो ईल्ड जब बढ़ता है तो रिस्क फ्री रेट बढ़ जाता है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन लेकिन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ईल्ड रहता है वहां पर इन्फ्लेशन रेट प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो रियल रेट अभी मार्केट में निगेटिव है यूएस मार्केट या इंडियन मार्केट के अंदर भी रियल रेट निगेटिव है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो ऑफर कर रहे अप्रोक्सीमेटली सिक्स सेवन एंड हाफ इन इंडिया रिस्क रेट इज अराउंड सेवन एंड हाफ राइट नाउ तो आपको ये रिस्क रेट कहां पे दिखेंगे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम एक बेसिक सोर्स है जहां पर इन्वेस्टिंग डॉट कॉम ट्रेडिंग व्यू कहीं पे भी जा सकते हो तो आई गो टू इन्वेस्टिंग डॉट कॉम

जो गरीब लोगों को जाना चाहिए था या जहां पर जिनका इनकम अफेक्ट होना चाहिए तो उनको जाना चाहिए उसके जगह पर आ गया वैल्यूएशन बढ़ने लग गए गेम स्टॉप जैसा कुछ भी कंपनी ऊपर जाने लग गए या कुछ भी लोग

But इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम पैसा प्रिंट करते जाओ तो ये रिस्क फ्री रेट है याद रखना ये फॉर्मुलाज में आपको आगे जाके काम में आएगा सो रिस्क फ्री रेट इज बेसिकली इन्फ्लेशन रेट प्लस वॉट रियल रेट ऑफ रिटर्न रियल रेट राइट नाउ नेगेटिव है बट लॉन्गर रन के अंदर इन्फ्लेशन जो यूएस का है वन एंड हाफ टू टू परसेंट तक रहता है सो दैट थ्री परसेंट विल बी अ पॉजिटिव रिटर्न उसमें रियल रेट पॉइंट फाइव वन परसेंट पॉजिटिव इल्ड मिल सकता है प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू जब हम जाएंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे कंपाउंडिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू आएंगे तब हम उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग मालूम है आपको तो कुछ फॉर्मुलाज है जो आपने ऑलरेडी इंटर में किए हैं सिर्फ क्विकली एक बार को गो थ्रू करते हैं क्योंकि सॉल्विंग करने के लिए फॉर्मूलाज लगने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू इन टू अ कंपाउंडिंग फैक्टर यू मस्ट इंश्योर दैट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन मस्ट करस्पॉन्ड विथ ईच अदर दैट इज टू सेन इज पर एन एम एन शुड बी नंबर ऑफ इस इफ आर इज पर क्वार्टर एन शुड बी नंबर ऑफ क्वार्टर तो अगर कंपाउंडिंग क्वार्टर लिख दिया है तो आई विल डिवाइड आर बाई वॉट एम एम इज नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन वन ईयर आर इज यूर एन्युअल रेट आर इज यूर

उसी से ही आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इन टू तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं डिस्काउंटिंग फैक्टर आर इज इक्वल टू फोर्टीन परसेंट एन इक्वल टू सिक्स कैलकुलेटर ले लो और कैलकुलेट करके कर दिखाओ देखते हैं कितने लोग भूल गए कुछ लोग भूल चुके होंगे कैलकुलेटर पे भी सोच रहा है क्या करने का ना भूल गया ना बेशरम कही फॉरगॉटन एक्चुअली रेज योर हैंड ऑनेस्टली भूल चुके सर लेट मी रे 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 कौन कैलकुलेटर वन ओके कंपाउंडिंग फैक्टर तो आएगा ना वो वन प्लस आर रेस टू एन तो, था तो ओके लेट मी टीच कंपाउंडिंग फैक्टर ओ शिट इज इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट एन इक्वल टू फोर कैसे आए गए कैलक्यूलेटर अरे यूट्यूब पब्लिक जो घर पर देख रहा है तुम्हें चैट कर सकता है फ्री में होता है रेस टू तो आपको रेस टू फोर करने के लिए क्या करना पड़ता है इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू जब करते हैं तो स्कोर आता है वापस इज इक्वल टू करो क्यूब वापस इक्वल टू करो फोर्थ पावर इज इक्वल टू हाउ मच वन पॉइंट वन पॉइंट नाइन टू टू थ्री पे गया होगा वन पॉइंट सेवन फोर नाइन गलत बोलो ना गर्ग ने पहले दिन ही पहले पॉइंट में ही माटी खाना शुरू हो गए वट डज इट मीन आज का एक रुपया जो है वो फ्यूचर का वन पॉइंट सेवन फोर नाइन है इसका ही तुम रेसिप्रोकल लोगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है टूडेज वन रूपी इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फोर रूपी इन फ्यूचर टूमारोज वन रूपी इज इक्वल टू हाउ मच टूडे तो इट जस्ट नीड टू बी टेकन रेसीप्रोकल रेसी प्रोकल कैसे लेते हो डिवल टू प्रेस करके आता है या डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो टेकॉन या कैलक्यूलेटर वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन फोर वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन फोर है यहां पर ऊपर वन पॉइंट वन फाइव था इज इक्वल टू करो इज इक्वल टू क्या फर्स्ट तो, ईयर का फैक्टर आता है इज इक्वल टू सेकेंड इयर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, M+ नहीं करना है। वो M+ एन्यूटी जब चाहिए होता है तब करते हैं। कुछ लोग उधर M+ पे जा रहे थे। आदत लग गई तो उनको उंगली में ऐसे-ऐसे करने की। हाँ? All tap? All tap करने की आदत लग गई। तो all tap करके ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। So फैक्टर कितना आया 0.519 तो इसका मतलब क्या है फ्यूचर का जो एक रुपया है आफ्टर सिक्स इयर्स दैट इज इक्वल टू 0.519 फाइव वन नाइन एज ऑन टूडे डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी ऑलवेज लोअर देन वन कंपाउंडिंग विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन ये तो चलो मालूम है आपको वॉट डज इट टेल यू दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है लिसन टू दिस वेरी केयरफुली इफ यू आर गेटिंग वन रूपी फ्टर सिक्स अगर आपको एक रुपया मिल रहा है छह साल के बाद उसके लिए आज कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तुम टुडे यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट पॉइंट फाइव वन नाइन फॉर गेटिंग वन रूपी नॉट फॉर गेटिंग फॉर गेटिंग वन रूपी आफ्टर सिक्स इयर्स यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट फिफ्टी वन पैसा टूडे और फिफ्टी टू पैसा टुडे दैट इज फेयर इनफ तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा चौदह परसेंट कैडिट मिलता है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है अमाउंट यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट टुडे। दैट इज वाई डीसीएफ वर्क डीसीएफ में हमने क्या बोला था डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ डीसीएफ में हमने बोला था प्राइस ऑफ अ शेयर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और फ्यूचर प्रॉफिट और फ्यूचर डिविडेंड्स डिपेंडिंग ऑन ट यू वॉन्ट टू यूज अगर आप डिविडेंड यूज करोगे तो हम उसको डीडीएम बोलेंगे model, अगर उसको कुछ नाम नहीं है अर्निंग डिस्काउंटेड कैश मॉडल के लिए काम में आएगा सो so ये सिंगल कैशलोज थे तभी भी आ, अगर भूल गए तो हमने कैल्कुलेटर शॉर्टकट भी आगे दिए है एन्यूटी so में क्या होगा सीरीज़ ऑफ कैश फ्लोज होंगे टाइम गैप बिटवीन द टू कैश फ्लोज विल बी सेम एंड कैश विल बी फॉर डिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम कैश फ्लो इज नॉट गोइंग टू बी फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम रेग्युलर मतलब क्या है कैश फ्लो इज एट द एंड ऑफ द पीरियड लाइक यूर स्टाइपेंड यू गेट स्टाइपेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ

ड कांगारू जम्प हाँ जम्पिंग जम्पिंग करना है और मुझे यहां की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो हाउ डू गेट इट पीरियोडिकॉट पीरियोडिक्लस आर रेस टू वन माइनस वन अपॉन आर तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है इतना याद रखो एक कंपाउंडिंग फैक्टर है माइनस वन फ्यूचर वैल्यू के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर लगता है ना तो इट इज सी एफ माइनस वन अपॉन आर टर मस्ट बी पॉजिटिव सी एफ इज ग्रेटर देन वन माइनस वन पॉजिटिव डिवाइडेड बाई आर तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी के लिए वन माइनस डी एफ है अपॉन आर वो तो कॉन्सेंट ही है ना अपॉन आर तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी रेग्युलर कैसे आएगा पीरियोडिक अमाउंट इन टू दिस एन्यूटी फैक्टर यह एन्यूटी फैक्टर आपके कैलकुलेटर पर भी आता है यहां पर एम प्लस करना होता है बट याद रखना याद रखना यह फॉर्म्यूला जो है ना यह मिसलीडिंग फॉर्म्यूला है प्रेजेंट वैल्यू गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू एट द दिगिनिंग ऑफ द पीरियड इन विच एन स्टार्टेड इट डजेंट गिव यू द वैल्यू एज ऑन टूडे बोलेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू है सर तो एज ऑन टूडे मिलना चाहिए ना सर मैंने कहां पे बोला प्रेजेंट वैल्यू मतलब एज ऑन टूडे इट इज प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इन विच एन कमेंस तो अगर फोर्थ ईयर में चालू हुआ है फोर्थ ईयर के एंड में तो ये फॉर्म्यूला आपको फोर्थ ईयर के बिगिनिंग का आंसर देगा फोर्थ ईयर बिगिनिंग इज एंड ऑफ थर्ड ईयर तो आपको जब कैल एन्यूटी जब शुरू होता है ना कैलकुलेटर पे अगर आप करोगे तो रिमेंबर वेन यू डू एम प्लस फॉर एग्जाम्पल देखो ट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर वेर आर इज इक्वल टू ट्वेल्व परसेंट और एन में बोलता हूं फोर टू सेवन एन फोर टू सेवन का मतलब क्या होता है फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर सेवन ईयर चार साल आपको पैसा मिलेगा बच्चा क्या करता है एन इक्वल टू फोर लेता है, है. क्यों ये एन्यूटी कब से शुरू हुआ फोर्थ ईयर में तो इसको अगर आपको आज का वैल्यू निकालना है ना तो आपको क्या करना होता है पहले तीन साल स्किप करने होते वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट ट्वेल्व इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर स्किप इज इक्वल टू सेकंड ईयर स्किप इज इक्वल टू थर्ड ईयर स्किप पहले तीन साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको स्किप करने हैं एन्यूटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर इज नथिंग बट टोटल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स तो आपको टोटल कहां से लेना है फोर्थ ईयर से फोर्थ ईयर को एम प्लस फिफ्थ ईयर एम प्लस सिक्स ईयर एम प्लस सेवेंथ ईयर एम प्लस बोलो टू पॉइंट फिर एम आर सी करना होता है बोल टू पॉइंट फोर टू चार रुपए का ठीक है हो सकता है फोर टू वन चेक कर लो बाकी लोग इसका मतलब क्या है वॉट डज इट मीन इफ यू आर गोइंग टू गेट वन रूपी एवरी ईयर यू आर गोइंग टू गेट वॉट वन रूपी एवरी इयर फॉर वॉट नेक्स्ट फोर इयर बट विच फोर इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इ नंबर फोर इश इन टू गेट वन रूपी इन द फोर्थन रुपी इन दिफ्थ ईयर वन रुप इन दिक्कस इयर वन रुप इन द सेवेंथ ईयर उसका टू डेज वैल्यू टू रूपीज फोर्टी रूप है चार रुपए की आज की वैल्यू कितनी है तो याद रखना तो आर यू क्लियर विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी एंड फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी ये एन्यूटी रेग्यूलर था एन्यट एन्यूटी इमिडिएट में क्या करना है आपको सिर्फ रेगुलर का वैल्यू लेना है इन टू वन प्लस आर फ्यूचर वैल्यू के लिए भी वही करना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी वही करना है बिकॉज यू जस्ट गेट वन मोर पीरियड रे इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड यू स्टार्ट एट दिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड सो दन प्लस आर से एक मल्टीप्लाई करना है बस तो एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर सिंपल मेमोरी ट्रिक क्या है फ्यूचर वैल्यू के लिए सी एफ माइनस वन है न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन सॉरी न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव नॉट ग्रेटर देन इट मस्ट बी पॉजिटिव इट कैन बी ग्रेटर देन बट पॉजिटिव होना चाहिए डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है वन माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कॉमन है डिस्काउंटिंग फैक्टर विल ऑलवेज बी लेस देन वन सो वन माइनस समथिंग लेस देन वन नंबर पॉजिटिव आएगा ना परपेटी perpetuity. Perpetuity में क्या होता है सेम अमाउंट रहता है टाइम गैप भी सेम रहता है दो कैश फ्लो का बट वो अमाउंट इन्फिनिटी के लिए होता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्स्टेंट परपेचुटी वी आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग परपेचुटी तो ये कॉन्स्टेंट परपेचुटी पहले पीरियोडिक अमाउंट डिवाइडेड बाई वॉट इंटरेस्ट रेट और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ग्रोइंग परपेचुटी ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार लगने वाला है हमें वैल्यूएशन के लिए क्यों? बच्चों शेयर का जो प्राइस निकालते हैं बाय यूजिंग डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो देर इज देर आर टू पीरियड्स वन इज एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड एंड अदर वन इज टर्मिनल रेट पीरियड क्या बोला मैंने भूल गए सब कुछ सला इंटरमीडिएट में सिखाया हुआ है यार इक, मुझे अगर शेयर का प्राइस निकालना है तो मैं फोरकास्ट फॉर कर सकता हूं क्या सी योर होल्डिंग पीरियड माइट बी डे टू ईयर ईयर मैंने शेयर कोई इन्वेस्ट किया आई माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ओनली फॉर फाइव इन पांच साल के बाद मुझे निकल जाना है उस स्टॉक से इसका मतलब कि साल के बाद कंपनी खत्म हुई तो आप जब शेयर का वैल्यूएशन करते हो वॉट इज नॉट रिलेवेंट

एन्यूटी uh, टाइप के बिजनेस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस या हाईवेज होते हैं जिनके पास ट्रांसमिशन असेट्स होते हैं उनके लिए आप आठ दस साल का आप एस्टिमेट कर सकते हो थोड़ा क्योंकि उनके पास एग्रीमेंट्स uh, होते हैं फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट तो लेट से मैं दस साल का एस्टिमेट कर सकता हूं लेकिन दस साल के बाद टर्मिनल ग्रोथ रेट है

गॉर्डन ग्रोथ रेट बोल फॉर्मूला गॉर्डन ग्रोथ रेट नहीं आता डिग्री वापस जाने के बोलो को, इंटर का वापस जी नहीं आता अरे गधे उधर लिखा है वो तो पढ़ के नहीं लिखा है मैंने ठीक है ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो into roi भूल गए तो नहीं लिखा था 그죠 ठीक है वही तो मैं वही सोच रहा था इनके पास ये पढ़ के बोलने का स्किल क्यों नहीं है ग्रोथ रेट जो होता है वो आता कहां से है रिटेंशन रेशो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी इंटरमीडिएट में था ये डिविडेंड डिसीजन करके एक चैप्टर था तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी ठीक से सुनो फर्स्ट अमाउंट ऑफ परपेचुटी क्या है फर्स्ट अमाउंट ऑफ परपेचुटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ इंटरेस्ट रेट मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हमारे लिए के ई होता है तो अगर आपको याद होगा फर्स्ट सम मतलब अगर कैश परपेचुटी इलेवेंथ ईयर से चालू है तो यह फॉर्मूला आज को आंसर नहीं देगा। परपेचुटी स्टार्टिंग इन इलेवंथ ईयर फॉर्मूला विल गिव यू आंसर एट द बिगिनिंग ऑफ इलेवेंथ ईयर मतलब तुमको अगर टर्मिनल कैश फ्लोज है तुम डिविडेंड के बेसिस पे कर रहे हो या ईपीएस के बेसिस पे कर रहे हो ईपीएस ऑफ इलेवेंथ ईयर इफ यू इट ईपीएस इलेवन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट मतलब के माइनस जी जी इज ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट कैसे आता है रिटेंशन रेशो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी दुर्वेजी मी द फॉर्मूला ऑफ रिटेंशन रेशो मी सी वेदर यूर रिटेन रिटेंशन रेशो और नॉट डिविडेंड डील्ड पहले क्या बोला था

तो अगर मैंने सौ रुपए का प्रॉफिट कमाया तो सौ रुपए में से कितना रिजर्व सरप्लस को गया या हंड्रेड परसेंट माइनस डिविडेंड पे इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो बहुत सारा मैंडेटरी अभी डिविडेंड पॉलिसी उनको कंपलसरली देना पड़ता है एन्युअल रिपोर्ट के अंदर आज का आपका होमवर्क लिख के रखना हर रोज डिविडेंड पॉलिसी पढ़ना है कंपनी का कंपनीज डू गिव ऑडिट कर रहे हैं तो डिविडेंड है? पॉलिसी दिखाई की नहीं क्वाइट पॉसिबल इट इज नॉट रिटर्न बिकॉज यूर बॉस डज नॉट नो अमेंडमेंट पॉसिबल अगर तुम्हारे, तुम्हारे फॉर्म में अगर लिस्टेड कंपनी ना तो उसका तुम क्या करो एनुअल रिपोर्ट अगर निकाल के तो देखो डिविडेंट पॉलिसी कहीं डिस्कलोज किया है क्या यू कुडन टेनमिट टूमारो सर हमारे फर्म में ऐसा एक कप, नाम मत बोलना सिर्फ फर्म का नाम में बोलना कंपनी का नाम में बोलना व्हाट हैपन कि डिविडेंड पॉलिसी उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किए एन्यूअल रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करना होता है या वेबसाइट पे डिस्क्लोज करके उसका लिंक एन्यूअल रिपोर्ट में टाइप कर सकते हो तो 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट रिटेंशन रेशियो आना रुमन आरओआई रिटर्न ऑन इक्विटी इधर बॉल रखा है मारने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब फुल फॉर्म पूछा तेरे को ए बाकर वड़ी, बोल, आरोई का फॉर्म मिला डिविडेंड अपॉन प्राइस ऑफ अ शेयर यूजलेस डिविडेंड अपऑन प्राइस ऑफ अ शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी ज इक्वल टू डिविडेंड अपऑन प्राइस ऑफ अ शेयर अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ अर देर इधर, यूजलेस इसने जो पहले बोला था ये था डिविडेंड ईल्ड उसके बाद उसने जो इंप्रोवाइज करने की कोशिश की वो थी अर्निंग्स ईल्ड जो दोनों गलत है क्या बी एटी डिवाइड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल इधर दे 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 टी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनल में आने के बाद ऑडिट करने के बाद भी यह ससुर को एंड सरप्लस मालूम नहीं अभी तक इक्विटी शेयर कैपिटल आरओई इज इक्वल टू इसलिए बेसिक्स ऑफ एफएम जरूरी है इट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर नॉट पैट क्योंकि पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना होता है अगर रहे तो स रिटर्न डिवाइडेड बाई रिटर्न ऑन इक्विटी इज कैलक्यटेड विथ रेफरेंस टू बुक वैल्यू नॉट विथ रेफरेंस टू मार्केट प्राइस तो डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सर प्लस तो अगर आप मार्केट प्राइस से निकालते हो तो क्या होता है आपको अर्निंगल्ड मिलेगा हमें अर्निंग इल्ड नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए तो ग्रोथ रेट आपका ऐसा आएगा तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको प्राइस कब का देगा देगा ये दिस इज प्राइस एट द एंड ऑफ टेंथ ईयर इज इक्वल टू ई पी एस इलेवन डिवाइडेड बाई के माइनस जी ग्रोथ रेट आप ऐसा निकाल सकते हो ऐसे हाँ ये जरूरी नहीं है कि ग्रोथ रेट ऐसा ही करना चाहिए यू कैन लुक एट द पास्ट एंड कैलकुलेट रेट बट इट्स अप टू यू तो ये इसको आपने कहा था डी बाई पी प्लस जी अप्रोच फाउंडेशन इंटर में पार्ले जी विद द एप डी पी डी पी विथ पार्ले जी सो बाईपी अप्रोच ई बाईपी अप्रोच जो भी अप्रोच यूज करना है वो यूज करना है बट दिस फॉम्यूला गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इन विच एंडपेचुटी स्टार्टेड योर फर्स्ट होमवर्क फॉर टूडे जो आपको एक्सेल के अंदर सॉल्व करना है नॉट यूजिंग दिस फॉर्म्य लिखाओ देखिए बेसिक फॉर्म्यूला है यू हैव टू यूज एक्सेल कैलकुलेट ई ऑफ

इंट फाइव परसेंट मैं नंबर्स ऐसे हाइपोथेटिकल ले रहा हूं नंबर्स मतलब कोई लॉजिक के साथ नहीं है अर्निंग्स इल्ड इज सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट पीबी रेशो इज बाटेगा क्या बोला बोलना प्राइस अपॉन प्राइस ऑफ अर प्राइस अपॉन प्राइस ऑफ अर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पहले जो बोला था वो सही था मैंने सिर्फ थोड़ा आवाज बढ़ाया ऑर्डर गया प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर इज अ पी बी रेशो इज फोर पॉइंट एट टाइम्स निंग्स इल्ड इज सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट पीबी रेशियो इज फोर पॉइंट एट टाइम्स ग्रोथ रेट एंटिसिपेटेड फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर्स is to be taken from is to be taken from above data terminal growth rate is terminal growth rate is 11% pa 11% pa इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एटीन परसेंट फाइंड आउट प्राइस ऑफ अ शेयर एज पर डी सी एफ तो पहले मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ये आपको एक्सेल में भी करके देखना है खुद मैं तो अभी यहां पर कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देखा था टू यूज इट सॉलिड ऑन एक्सेल पहले क्या करना है ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला प्राइस ऑफ अर इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज़ और अर्निंग्स पर शेयर और वट एवर यून से तो प्राइस ऑफ अर में दो एलिमेंट रहेंगे बच्चों कौन से दो एलिमेंट रहेंगे प्राइस ऑफ शेयर में दो एलिमेंट रहेंगे प्राइस ऑफ शेयर इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सप्लिस पीरियड फॉर विच यू कैन डू अ फोरकास्ट फाइव इस और उसके बाद टर्मिनल ग्रोथ रेट दिया मैंने कितना ग्रोथ रेट दिया है? टर्मिनल ग्रोथ रेट इलेवन परसेंट तो पहले ग्रोथ रेट निकालते हैं ग्रोथ रेट कैलकुलेट लेट मी सी रिटेंशन रेशो नहीं दिया क्या मैंने क्वेश्चन में एक ऐड करो Dividend payout is twenty three percent. Can we do it? Let me see. Even if you go wrong, it's okay. मैं चिल्ला हूं तुमको इट्स ओके okay, तुमको आदत होगी अब तक लेट मी सी जस्ट इंपैक्ट ऑफ आर्टिकलशिप यू विल ऑल्सो रियलाइज

बी में मेजोरिटी सर कांट कैलकुलेट सबसे पॉपुलर आंसर वही रहेगा सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करे जी द्रुमन जी आंसर कांट कैलक्युलेट तो फर्स्ट फ्रॉम भड़सावड़े ट्वेंटी फोर पॉइंट वन इज कांट कैलकुलेट बी में बहुत सारे लोग हो गए जी आंसर फाइव पॉइंट डबल जीरो फाइव एट पॉइंट जीरो फाइव चालू हो गए और, और कोई आंसर थर्टीन पॉइंट एट सिक्स क्या पब्लिक है यार सच में तुम बदल नहीं गए हो यारे डिफरेंट आंसर यूनियन बैंक आंसर बोलना बोल बोल थर्टीन पॉइंट एट सिक्स अच्छा वन एट आया तेरा लेकिन उसके आजू बाजू ऐसा लग रहा है तेरे को ऑनलाइन पब्लिक तो हर्ष लोड़ा थर्टीन पॉइंट एट सिक्स इनफ लेडस तो अर्निंग्स ईल्ड कैसे आता है बच्चों अर्निंग्स ईल्ड इज बेसिकली ईपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस तो ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इज अर्निंग्स ईल्ड कितना दिया मैंने क्वेश्चन में सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट दॉइंट जीरो सिक्स फाइव जीरो सिक्स पॉइंट फाइव इज नॉट पॉइंट सिक्स फाइव 6.5% इज 0.650 ईपीएस मेरे पास है 35.80 तो मुझे यहां से क्या मिलेगा मार्केट प्राइस मिलेगा इस फॉर्मूला से तो बोलो मार्केट प्राइस कितना है कितना 550.769 दैट इज 77 दैट इज ओके राउंडिंग ऑफ इज ओके 556, फिफ्टी सिक्स फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉइंट सेवन सेवन रुपीज इज माई मार्केट प्राइस वैल्यू अर दिया है अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर तो पीबी बी रेशो इज गिवन टू बी 4.80 टाइम यू नो प्राइस पर शेयर कैन यू कैलकुलेट बुक वैल्यू बुक वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर इज वॉट असेट्स माइनस लाइबिलिटी सर्टिफिकेट दिया होगा तुमने ऑफिस में अब तक कोई बुक वैल्यू पर शेयर का इनकम टैक्स के लिए रूल इलेवन यू एज के सर्टिफिकेट इलेवन यू सर्टिफिकेट हम इलेवन यू देखो आज का ऑफिस में जाके पूछने का पार्टनर बड़ी इलेवन यू है इलेवन यू ए पढ़ने का सर्टिफिकेट क्या होता है तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या है बुक वैल्यू पर शेयर इज पॉइंट सेवन फोर ये बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर है आप आर कैसे निकालते हो आर ओई वो तुमने आर के लिए पूरा प्रॉफिट लिखा था डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इक्विटी सर तुमने दिया ही नहीं है सर अरे गधे पर शेयर मालूम है ना तुमको यू कैन टेक अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय व्हाट अमाउंट ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय के ही कर रहा है अच्छा पहली बार टाइम पे आया तिवारी तू इसी चीज को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो मैथमेटिक्स में अगर न्यूमरेटर को भी एक नंबर लगाया और डिनोमिनेटर को भी एक नंबर लगाया तो आंसर वही रहता है अमाउंट ऑफ इक्विटी मतलब बुक वैल्यू रहता है इट इज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या आता है एन इज ईपीएस हैल्डर्स अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड सब कुछ भूल गए तुम लोग अमाउंट ऑफ इक्विटी अमाउंट ऑफ इक्विटी कैसे माइनस लाइबिलिटीज और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्ल रिजर्व एंड सरप्ल ही भूल गएगा अमाउंट ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय एन इज वॉट बुक वैल्यू पर शेयर आपके पास ईपीएस है कितना ईपीएस थर्टी फाइव पॉइंट एट आपके पास बुक वैल्यू ऑफ शेयर है वन वन फोर पॉइंट सेवन फोर इन हंड्रेड परसेंटेज में आरओई बोलो कितना 31.20 वन पॉइंटी टू जीरो हमें आरओई नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए ग्रोथ रेट चाहिए पहले पांच साल का ग्रोथ रेट ये रहने वाला है मैंने सिर्फ ग्रोथ रेट पूछा था आपको शेयर का प्राइस तो दूर की बात है मैंने ये क्वेश्चन ग्रोथ रेट के बारे में था क्वल टू आर ओ इंटू रिटेंशन रेशो ये डिविडेंट डिसीजन चैप्टर में था फाउंडेशन के इंटर के आर ओई इज थर्टी वन पॉइंट टू परसेंट इंटू रिटेंशन रेशो कितना है तुम्हारा रिटेंशन रेशो इज पॉइंट डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया मैंने ट्वेंटी थ्री डिविडेंड पे आउट है मतलब रिटेंशन इज पॉइंट सेवन सेवन थर्टी वन पॉइंट टू इंटू पॉइंट सेवन सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो टू फोर ठीक दिस इज ग्रोथ रेट देखो अपना पब्लिक फाइव परसेंट एट परसेंट थर्टीन पॉइंट एट सिक्स परसेंट क्या क्या इनोवेशन कर लिए तुमने लोगों करेक्ट आया तेरे एक दो तीन चार पांच गुड अगर ये करेक्ट आया तो फिर बात आसान है ग्रोथ रेट आ गया तुमको दिस इज अ ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन दिस थिंग आरोही आरोही नहीं है आर है आरोही इसको ग्रोथ रेट इज ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो टू परसेंट एक बार ग्रोथ रेट आ गया तो काम आसान है प्राइस ऑफ अ शेयर प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑफ ईपीएस फॉर ईयर वन टू ईयर फाइव प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपीएस फ्रॉम टू इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी है समझा तो पहले पांच साल का करेंगे हम टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे ग्रोइंग का जो मैंने दिया है समझा क्या? तो चलो अभी डीसीएफ का टेबल लगा दें डीसीएफ टेबल कैसे लगाएंगे डीसीएफ टेबल तो याद है ना इश फ्लो की जगह पर अभी क्या लिखेंगे हम यहां पर हम ईपीएस ले रहे हैं ना

बट ये जो वैल्यूएशन का मेथड हम भी सीख रहे बहुत बेसिक है डीसीएफ ये बेसिक चैप्टर में डीसीएफ करेंगे फिर आगे जाने के बाद पागल बना दूंगा तुमको मतलब अरे डीसीएफ के अंदर तो तुमको इतना डीसीएफ छोड़ दो वैल्यूएशन के अंदर आर सो मेनी इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग अ वैल्यूएशन देन दैट यू लर्न डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आई डोंट नो हाउ मेनी यू नो वैल्यूएशन बोर्ड रेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स इन आर्टिकलशिप

year वन टू थ्री फोर 5 चलो ईपीएस बच्चों जो क्वेश्चन में ईपीएस दिया है वो आज का दिया है 35.8 इज अ टुडेस ईपीएस आफ्टर वन ईयर देर वि ग्रोथ रेट तो मैंने बोला ग्रोथ रेट एंटीसिपेटेड फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स इज टू बी टेकन फ्रॉम अबाउट डेटा जो अबाउट डेटा हमने ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया कितना ग्रोथ रेट आया 24.02% फोर राउंड ऑफ करेंगे हम एक काम करो ऊपर जाओ 24 दैट इज 24 परसेंट दैट्स ओके एग्जाम में ऐसा मत करना यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए ठीक है सो एस जी एक्स इज इंडिकेटिंग थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव पॉइंट फॉल थर्टी फाइव पॉइंट एट इंटू वन पॉइंट कितना था टू फोर ये फर्स्ट ईयर का आपका ईपीएस आएगा फर्स्ट ईयर का ईपीएस फोर्टी फोर पॉइंट थ्री नाइन टू नेक्स्टर फोर्टी फोर टू फोर नेक्स्ट ईयर का ईपीएस फिफ्टी फाइव पॉइंट जीरो फोर प्लस ट्वेंटी फोर परसेंट प्लस भी कर सकते हो इंटू नहीं करना है तो सिक्सटी एट पॉइंट टू फाइव आई होप यू हैव टेकन अव नोटबुक आठ दस नोटबुक लगेंगे आपको एटी फाइव पॉइंट एटी फोर पॉइंट सिक्स थ्री प्लस वन जीरो फोर पॉइंट नाइन फोर आई होप दिज अंबर सर करेक्ट अब आपको इसको डिस्काउंटिंग करना है क्या रेट पर डिस्काउंटिंग करना है एटीन परसेंट और लॉजिकली बच्चों ये याद रखना एक सिंपल थमरुल बोलता हूं लॉन्ग रन के अंदर और हायर देन ग्रोथ रेट। क्यों? अगर बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ हायर रेट रिस्क इज इवन मोर बोलेंगे है? ऐसे कैसे जोमैटो इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट रिस्क इज वेरी हाई इन इन्वेस्टिंग इन जोमैटो एज कंपेयर टू जुबिलियन फूड इफ आई टू टेक यू फ्रॉम अ सेम सेक्टर इनिशियल स्टेजेस पे तुम बहुत ज्यादा रेट पे ग्रोथ कर सकते हो एग्रीड बट रिस्क भी उतना ज़्यादा रहता है ना कि स्टेबिलाई मैच बिजनेस एफ एम सी जी हाई बट रिस्क इज ऑल्सो वेरी हाई ना एज कम्पेयर टू एच यू एल एच यूल हिंदुस्तान यूनिलीवर तो ये पांच साल का डेटा दिया इसलिए मैंने कई कम दिया है टेक्नोनिक कैलकुलेटर वन डिवाइड वन पॉइंट वन बट लॉन्ग रन में उसके बाद ग्रोथ रेट मैंने मैच्योर uh, ग्रोथ रेट को मैंने स्लो डाउन किया कितना ग्रोथ रेट किया है मैंने आगे जाके 11 परसेंट किया ना ग्रोथ रेट इधर गया ग्रोथ रेट उसके बाद 11 परसेंट सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते जाओ और कैलकुलेट करो वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन एट इज इक्वल टू पॉइंट एट फोर डिजिटर सेवन फाइव कावन वन एट वन सेवन वन एट वन सिक्स जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव सेवन पॉइंट फोर थ्री सेवन वन पॉइंट अच्छा मैंने एक डबल लिखा क्या? Okay, नहीं एक ऊपर लिखा मैंने हाँ चलो मल्टीप्लिकेशन मारो टू जीरो एट पॉइंट वन सेवन हम डीसीएफ का कैलकुलेशन कर रहे हैं आज मैंने जो होमवर्क लिख के दिए वो सब लिखे ना तुमने आज ऑफिस में जाके सब चेक करने का ऐसे भी काम नहीं दूंगा कुछ टू जीरो एट पॉइंट वन सेवन अब उसके आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लोज़ कैसे निकालेंगे टर्मिनल फ्लो मतलब वहां परपेचुटी है ना यस नो परपेटी के लिए क्या करेगा तुम ईपीएस जी ई पी एस सिक्स कितना रहेगा वन जीरो फोर पॉइंट नाइन फोर इंटू वन पॉइंट इलेवन इंटू वन पॉइंट इलेवन समझा गया क्यों सिक्स से ग्रोथ रेट मैंने क्या किया टेपर डाउन किया ग्रोथ रेट को कम किया मैंने के ही कितना है एटीन परसेंट और ग्रोथ रेट इलेवन परसेंट हंड्रेड एंड वन थाउजेंड यार क्या लोग कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा क्या मेरे को कल से वन सिक्स सिक्स फोर पॉइंट जीरो फोर वन सिक्स सिक्स फोर पॉइंट जीरो फोर समझा गया बट दिस इज नॉट द वैल्यू एज ऑन टूडे दिस इज दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ सिक्स उसको आज की तारीख में डिस्कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लोज कैसे आएगा रे वन सिक्स सिक्स फोर पॉइंट जीरो फोर ये आपका पांच साल के बाद का वैल्यू है बिगिनिंग ऑफ सिक्स ईयर मतलब एंड ऑफ फिफ्त ईयर एंड ऑफ फिफ्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके पास ऑलरेडी है पॉइंट फोर थ्री सेवन वन पॉइंट फोर थ्री सेवन वन बोला आंसर सेवन ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सेवन ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री फाइव ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू आज का शेयर में डिवाइड एट पॉइंट वन सेवन एंड सेवन ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री फाइव नाइन थर्टी पॉइंट फाइव टू लिखो इसको टू स्टेज मॉडल इसको फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं टू स्टेज डीसीएफ मॉडल टू टू स्टेज दो पार्ट्स में डिवाइड किया ना पहले पांच साल और उसके आगे के तो क्या सीखा तुमने बच्चों बच्चों तुमको आरओई जो था तुम्हारा वो इंपॉर्टेंट था कैलकुलेट करना कैन आई डू अ मैजिक मैजिक थर्टी वन पॉइंट टू है ना कैलकुलेटर तुम्हारा अर्निंग जीट कितना है सिक्स पॉइंट फाइव है ना अरे गिस्पॉन्स दो यार सिक्स पॉइंट फाइव टीबी रेशियो कितना है फोर पॉइंट एट मल्टीप्लाई करो सिक्स पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट एट परसेंटेज नहीं जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो थर्टी वन पॉइंट टू आना चाहिए मतलब नया फॉर्मूला सीखा आर ओई कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड एज अर्निंग डायरेक्टली इतना सब टाइम पास करने का ला लेकिन ये तुमको मालूम नहीं था इसलिए मेरे को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ा इन टू पी बी रेशो खतरनाक वेबसाइट बता दो जिसमें यह सब कैलकुलेशन ऑलरेडी है खतरनाक मतलब इतना नहीं है बट तुमको क्विक कैलकुलेशन चाहिए इंट्रेंजिक वैल्यू बोलते हैं इसको फेयर प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रेंजिक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर, तो ये नहीं ये वाला अच्छा इससे ये ये भी ठीक है बट बेटर देन दिस इज ये जो आपको अभी से क्या ना मैंने ये ट्रेड ब्रेन करके एक वेबसाइट है आएगा डाउनलोड ऐप कोई जरूरत नहीं है नीचे कहीं ना कहीं तो लॉन्च ऐप होगा फेयर वैल्यू कैलकुलेटर डीसीएफ बेसिस पे है लॉन्च फेयर वैल्यू कैलकुलेटर या डीसीएफ कैलकुलेटर कोई भी करो लॉन्च पे क्लिक करने का लॉन्च किया मैंने छोड़ दो पर शेयर कितना है तुम्हारा थर्टी फाइव पॉइंट एट जीरो डिस्काउंट रेट क्या है एटीन परसेंट प्रडिक्टेबल ग्रोथ ट्वेंटी फोर परसेंट एडवर्टीजमेंट दिखाएगा ट्वेंटी फोर परसेंट एंड ग्रोथ इज देयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स दिस इज पीरियड डेटा मैंने डाल दिया फिर टर्मिनल ग्रोथ कितना इलेवन परसेंट आगे आंसर टू जीरो एट इज अ ग्रोथ वैल्यू एंड टर्मिनल वैल्यू इज वैल्यूज से अपना आंसर कितना था नाइन थर्टी फाइव था ठीक है एक वो, उसने परफेक्ट राउंडिंग ऑफ अपना ही हो गया अब तुम एक्सेल में करके देखा यही आएगा दिस इज एज सिंपल एज एट सो आपको बेसिकली क्या पता चलता है कि भाई कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर मुझे अगर दिस इज बेसिक इसको बोलते हैं बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन यू कैन डू दिस ओनली फॉर लार्ज कैप्स विच आर इन एग्जिस्टेंस फॉर आर मैच्योर्ड रिसेंटली तो इनका आप ग्रोथ रेट एस्टिमेट कर सकते हो आप ईपीएस ले सकते हो उनका ग्रोथ रेट आप एस्टिमेट कर सकते हो इफ यू कैन गेट अ करंट ईपीएस एंड अ ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड देयर आफ्टर टर्मिनल ग्रोथ रेट बच्चों मैं आपको टर्मिनल ग्रोथ रेट का लॉजिक बोलू क्या इलेवन परसेंट चलो प्रिंट करके दिया प्रॉब्लम ये नहीं है सिलेबस का कि ये कैलकुलेशन है कैलकुलेशन तुमको समझा लेकिन तुम रियल लाइफ में तभी भी फेल हो सकता है क्यों वो इलेवन परसेंट आया कहां से एक्सप्लेन करू यू शुड टेक फॉर दैट इलेवन परसेंट पहले आपको एक होता है रियल जीडीपी ग्रोथ तुम्हारे कंट्री का रियल जीडीपी ग्रोथ क्या जो आपको नंबर आते हैं ना दिख के फ्लैशिंग हेडलाइन इंडिया जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट परसेंट समवेयर सो आरबीआई गवर्नर इट एट टू परसेंट रेंज इन द मॉनिटरी पॉलिसी मीट फ्यू डेज अगो सो वो जो ग्रोथ रेट नंबर आपको दिखता है हेडलाइन पे वो रहता है रियल जी ग्रोथ सो रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज लेट एन सेवन परसेंट फिर इन्फ्लेशन अभी का इन्फ्लेशन मत देखो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन इज वॉट यू शुड लुक एट लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन इन इंडिया इज एट फोर परसेंट आई टुक तो ये आ गया नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ अ नेशन तो नेशन इज सपोज टू ग्रो एट इलेवन परसेंट जो कंपनी का तुम वैल्यूएशन कर रहे हो वो कौन से सेक्टर में है वो सेक्टर जीडीपी के प्रोपोर्शन में जीडीपी से ज्यादा ग्रो होने वाला है या स्लो ग्रो होने वाला हो देखो आप वो कहां से पता चलता है वो सेक्टर के कोई इंडस्ट्री बॉडी होगा या उनका कोई रिपोर्ट होगा सो यू विल टेल यू वेदर द सेक्टर एज अ होल इज लाइकली टू ग्रो एट द सेम रेट एज अ नेशन हैज ग्रोन और इट इज लाइकली टू ग्रो एट अ फास्टर रेट देन नेशन सो अगर आपको लगता है तो वो करो ये बेसिकली क्या है नॉमिनल जी ग्रोथ रेट बच्चों एक चीज कान खोल के सुन लो अगर तुम्हारे कैश फ्लोज नॉमिनल है कैश फ्लोज जो तुमने डीसीएफ में लगाया वो दो टाइप के हो सकते हैं ये मैंने इंटर में पक्का एक्सप्लेन किया रहेगा बट तुम लोग भूल गए हो कैश फ्लो कैन बी नॉमिनल और रियल कैश फ्लो रियल कैश फ्लो का मतलब क्या है कैश फ्लोज विदाउट कंसीडरिंग इंपैक्ट ऑफ इंफ्लेशन इंटर के नोट्स तुम्हारे पास है तो तुम खोल के देखना

रियल कैश फ्लो इज कैशलोइ कैशलोइ न फ्यूचर बट उसमें से इन्फ्लेशन जो इम्पैक्ट है ना वो इग्नोर करो जीडीपी जो हमारे कंट्री का आता है वो नॉमिनल जीडीपी अलग रहता है रियल जीडीपी अलग रहता है रियल जीडीपी इज एट द बेस प्राइस ऑफ 2014-15 और 2011-12 टू थाउजेंड इलेवन ट बेस इड बी दोन सीरीज रिपोर्ट द इज इज सीरीज यूज क्योंकि बीजेपी आया था उस टाइम पे तो उनको अपना सीरीज चाहिए रहता है पॉलिटिजाइजेशन होता है हर चीज में अपने कंट्री में रह तो होगा मतलब रोड्स के नाम बदलेंगे ऑडिटोरियम्स के नाम बदलेंगे ये शहरों के नाम बदलेंगे राज्यों के नाम बदल सकते हैं दिस इज क्वाइट नेचुरल वो छोड़ दो 14-15 का बेस रेट जीडीपी का मैंने ले लिया मतलब तो उस टाइम का मैंने क्वांटिटी ले लिया और आज की तारीख में क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या है वो जब मैं कंपेयर करता हूं क्वांटिटी तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ लेकिन प्राइस का भी इंपैक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो वहां पर एक कंसेप्ट और होता है जीडीपी डिफ्लेटर नहीं लिखोगे नहीं ना मतलब पढ़ोगे नहीं ना जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ो जीडीपी डिफ्लेटर यूज होता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए विच इज नथिंग बट बेस नंबर विच इज हंड्रेड हंड्रेड के बाद इंफ्लेशन का जो नंबर रहता है उससे कंपाउंडिंग किया जाता है बट ईयर बाय ईयर इंफ्लेशन अलग रहता है तो 100 बेस लेवल पे सेट करते हैं उसको जीडीपी डिफ्लेटर को प्लस हर साल का इंफ्लेशन जो रहता है उसको कंपाउंडिंग किया जाता है तो करंट जीडीपी डिफ्लेटर कुड बी 130 134 व्हाटएवर तो कैश फ्लोस रियल और नोमिनल हो सकते हैं वैसे डिस्काउंट रेट जो होता है उसके भी दो बच्चे होते हैं रियल डिस्काउंट रेट एंड नॉमिनल डिस्काउंट रेट नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन हम जो डिस्काउंट रेट लेते हैं ना बाई डिफॉल्टो नॉमिनली रहता है क्यों टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या बोला था मैंने कैप्सूल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी वॉज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम रिस्क फ्री रेट वॉज इक्वल टू अरे बोलो इन्फ्लेशन रेट प्लस रियल रेट उसमें इन्फ्लेशन रेट था तो मतलब हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इन्फ्लेशन रेट इंक्लूडेड है अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्लूडेड है दिस इज रेट इंक्लूडिंग इंफ्लेशन समझा गया दिस इज रियल रेट का मतलब क्या है रेट एक्सक्लूडिंग इंफ्लेशन हजब एंड वाइफ मस्ट मैच विथ ईच अदर अदरवाइज एलॉन मस्क हैपन्स और जॉनी डीप हैपन्स समझा अब बोले ये क्यों बोला डिस्काउंट रेट एंड द कैश फ्लोज मस्ट करस्पॉन्ड टू ईच अदर अगर कैश फ्लोज नॉमिनल है तो डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल लेना चाहिए मैंने कैश फ्लोज भी नॉमिनल ले लिया है और डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल लिया और वो करके ये कैंसर ये आंसर आया कैंसर नहीं ये आंसर आया आई होप यू अंडरस्टूड इट ये कुछ बेसिक्स था और बेसिक्स हम करेंगे खुद एक्सेल पे जाके वर्कआउट करना जो भी चीजें मैंने बोली वो सब चीजें लिखो होमवर्क के लिए अगला पेज लास्ट पेजेस ना वो होमवर्क के लिए रहने दो दस पंद्रह पेजेस लगेंगे तो लिखते जाने का हर रोज जो जो कंसे बोला वो घर पे जाके पढ़ो तभी जाके थोड़ा स्मार्ट बनोगे बाय बाय